गुड, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? एंड क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से मुझे ऑडियो वीडियो चेक दे देंगे। एम आई लाइव, एम आई ऑडिबल? एक बार जल्दी से मुझे बताइए। यस, कम ऑन, एक बार मुझे जल्दी से ऑडियो वीडियो चेक दे देंगे। ओके, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं आज का क्लास? जल्दी बताएं। ओके ओके ओके, चलिए, डन 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 डन। सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सीए प्लेटफॉर्म। एंड आज हम करने वाले हैं हमारे सीए इंटर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो हमारा पहला चैप्टर है ना, इसका हम सुपर रिविजन आज करने वाले हैं। मैं जो ना अभी हमारे FMSM की रेगुलर बैच ऑलरेडी चल रही है अल्टीमेट सेल प्लेटफॉर्म में। जो भी बच्चे हमारे ये बैच में एनरोल करना चाहते हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। मैं आप सबको एडवाइस करूंगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, बहुत सारी उलट पुलट की है, बहुत से चैप्टर्स का कॉन्टेंट पहले कई और था, अब कई और है, कुछ टॉपिक्स को हटा दिया है, कुछ टॉपिक्स नए ला दिए हैं। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का तो रेगुलर बैच ही अटेंड करें, है ना, आपके May 24 एग्जाम्स के लिए। एंड आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आज का जो हमारा सेशन है वो मेनली है रिविजन के लिए। सो हमने हमारे इस रेगुलर बैच में एकदम ही डिटेल्ड में विथ ऑल एग्जाम्पल्स SM का जो चैप्टर नंबर 1 है उसको हमने कवर कर लिया है, ठीक है ना, हमारे हमारे जो है हमारे रेगुलर बैच में, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूँ आपके साथ, SM का जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये हमारा निपट चुका है। एंड अब जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को जो हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको हमने उनको इस तरह के नोट्स तो प्रोवाइड किए हैं। ये हमारे शास्त्र नोट्स हैं। शास्त्र नोट्स जनरली मेरे जो फाउंडेशन में बुक्स होते हैं ना, उसका भी एक एडिशन होता है शास्त्र। तो शास्त्र बुक्स जो होते हैं ना हमारे बेटा, वो क्या होते हैं, जिसमें स्टडी मटेरियल का सारा A to Z कंटेंट इसमें कवर्ड होता है, चार्ट फॉर्म में, कलरफुल फॉर्म में, ठीक है ना। पर अभी जो है ना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हमें जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना, मतलब कॉन्सेप्ट को समझना तो है ही, उसके एग्जांपल्स तो हमें पता होनी चाहिए, साथ ही साथ उसको याद करना सबसे बड़ा चैलेंज है। तो हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, कुछ कुछ चीज़ों को याद भी किया क्लास में, पर अब जितना ज़्यादा हम इसको रिवाइज करते जाएंगे ना, जितना ज़्यादा इसको हम रिवाइज करते जाएंगे उतना हमको ये चीज़ याद होगी, ठीक है ना। सो इसके लिए हम ये रिविजन क्लास आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। सो चलिए, हमारा फिलहाल जो है आज पहला सेशन है, ठीक है ना, रिविजन का। सो ये आज हम इस सेशन में हमारे SM के चैप्टर 1 को निपटा डालेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स की बात नहीं करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा इसमें, मैं जो ना इसमें जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं साथ साथ में, ठीक है ना। तो हमारे जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने इसका PDF भी प्रोवाइड करवा दिया है। और तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है ना। ये एक बहुत बढ़िया बात है कि आप जो है ना अभी फिलहाल इस सेशन को देख लें, सारे बच्चे इस सेशन को देख लेंगे। जिनके पास ये नोट्स नहीं है वो इसको देख के लिख सकते हैं सारी चीज़ें। जिनको मैंने ये नोट्स प्रोवाइड किए, जो हमारे एनरोल स्टूडेंट्स हैं उनको ये नोट्स हमारे मैंने प्रोवाइड किए हैं, अभी आप वो ये वाला सेशन देख लो और उसके बाद जो है आप ये नोट्स का प्रिंट निकाल के लिख सकते हैं मेरे साथ। मतलब ये जहाँ जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है ना, ये आप लिखते जाना। और ये मैं चाहूँगा कि आप पेंसिल से लिखें, ठीक है ना। तो ये आप एक बार पेंसिल से लिखा, या पेन से भी अगर आपने लिख लिया, उसके बाद जो है आप क्या करेंगे उसको बार 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 जितनी बार आप उसको रिवाइज करेंगे ना, आपको चीज़ें याद होना चालू होगी, ठीक है ना। सो इसमें और कोई फॉर्मूला नहीं है, हमने आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, सारे एग्जाम्पल्स करवा दिए, लेकिन याद करना बहुत ज़रूरी है। और आज का जो रिविजन है हमारा, हम ये नोट से करने वाले हैं, ठीक है ना। और मैंने जो मेरी जो मेमोरी टेक्निक्स मैं आपको देता हूँ वो सारी मैंने इसमें कवर की है। और एग्ज़ाम के लिए आपको जो काम की चीज़ें हैं वो सारी इसमें हैं। वैसे ये चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली कुछ 40 पेज के आसपास है, हमारे SM शास्त्र में कुछ 20 पेज के आसपास है, और यहाँ पे अब मैं इसको 10 पेज में ला लिया हूँ। इस चैप्टर को हमने अब 10 पेज में ला लिया, ये 10 पेज में हम इस चैप्टर को निपटा डालेंगे, ठीक है ना। सो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं, एक बार मुझे बताइए जल्दी से, कम ऑन। ओके, कैन वी स्टार्ट, मुझे बताइए। चलिए, रेडी, डन डन आई डन। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं यार, देखो मैं जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना, तो
जितना ज्यादा है ना, मतलब जो हम जिस लेवल तक जा सकते हैं उस लेवल तक जाता हूँ उसमें, ठीक है ना। तो ये आप देखना, यहाँ पे सारे मेमोरी टेक्निक्स भी मेरे खुद के बनाए हुए, सारे ये सारे नोट्स मैंने खुद बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो हम मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसे कंटेंट मिलता रहे जबरदस्त अगर आप हमारे पास क्लास कर रहे हैं। सो आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। चलिए तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एसएम चैप्टर वन, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमने इसमें पहले देखा था कि भैया हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो इसमें स्ट्रेटेजी पहले अलग से पढ़ना पड़ता है, स्ट्रेटेजी क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है वो पढ़ना पड़ता है, और फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है वो पढ़ना होता है, ठीक है ना। हाँ तो मैंने आपको इसमें मैनेजमेंट वाले कॉन्सेप्ट में मैंने वो शादी का एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना, कि समझो अभी इंद्रेश सर ने बोला कि मेरे शादी में जो है क्या बताइए, संगीत का सब आपको मैनेज करना है, ठीक है ना। तो मैं जब संगीत का सारे परफॉर्मेंसेस को मैं कोरियोग्राफ करके दूंगा, मैं क्या करूंगा, सब सारे रिसोर्सेस को, सब लोगों को लेके आऊंगा, अलग अलग डांस परफॉर्मेंसेस किसको क्या करनी है वो उनको बताऊंगा, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति ये काम करता है वो भी मैनेजमेंट कहलाता है, और मैं जो काम कर रहा हूँ वो भी मैनेजमेंट में आता है। सो बोलते हैं कि ये जो टर्म मैनेजमेंट है इसमें दो चीज आती है, एक होता है द की ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, एंड दूसरा होता है सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, ठीक है। अगर हम की ग्रुप वाले पॉइंट की बात करें कि जो लोग जो हु आर द इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है ना, दे आर क्या बताइए, बोलते हैं मैनेजमेंट को हम एक चीफ ऑर्गन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एक दे आर द चीफ ऑर्गन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन क्या बताइए, अ पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी, ठीक है ना। अ पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी कैसे करेंगे, कैसा है हमारे और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी मिले बनेगा, बोले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे जो हमारे डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेज हैं, मतलब कि जो हमारे रिसोर्सेज अलग अलग जगह पे हैं, वो सारे रिसोर्सेज को पहले लेके आओ, बाय ब्रिंगिंग टुगेदर एंड इंटीग्रेटिंग डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज ऑफ मैन पावर, मनी, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, एंड देन कंबाइनिंग देम इनटू अ फंक्शनिंग होल, ठीक है ना। मतलब ये सारे रिसोर्सेस लेके आएंगे और ये रिसोर्सेस को क्या करना है, कैसे काम करवाना है, ये मैनेजमेंट बताएगा। एंड द सर्वाइवल एंड द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, है ना, कॉम्पिटेंस, याद रहे, कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट। क्या आपको याद रहा, हमने इसका एग्जाम्पल दिया था आपको, राइट। आपका कॉम्पिटेंस क्या होता है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ यूजिंग द स्किल्स, कि आप अपने स्किल्स कितने अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। एंड कैरेक्टर क्या होता है, कंसिस्टेंसी, कि आप आपके काम में कितने कंसिस्टेंट हैं। ऐसा तो नहीं कि जब आपके सुपीरियर्स आते हैं तभी आप अच्छे से एकदम काम करना चालू करते हो फिर बाद में आराम करते हो, जैसे हमारे साथ ऐसा होता है ना, कि जब घर जब हमारे रूम में मम्मी या पापा आ जाए तब एकदम से पढ़ना चालू करते हैं, जैसे मम्मी बाहर गई तुरंत मोबाइल में गेम खेलना चालू, ये आपका कैरेक्टर बता रहा है, ठीक है ना। कि जब आपके ऊपर किसका सुपरविजन है तभी आप अच्छे से काम करो, कि वैसे भी अच्छे से काम कर रहे हो। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय तक सर्वाइव एंड सक्सेसफुल तभी बन पाएगा जब हमारा मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट हो और उनमें कैरेक्टर हो, ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली बात। बोलते हैं मैनेजमेंट कैन ऑल्सो भी क्या बताइए, डिफाइन एज द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, जो व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं वो भी मैनेजमेंट, और वो जो काम करते हैं वो भी मैनेजमेंट में आता है। बोलते हैं दीज सेट ऑफ फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग कंट्रोल, जो आप 12th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर्स पढ़ते थे ना बिजनेस स्टडीज में, वो है, ठीक है। इसका मैंने मेमोरी टेक्निक बनाया है कि ये जो सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं इसमें क्या क्या आता है। बोलते द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस रेंज फ्रॉम कंट्रोलिंग मैड गोल्स, याद आ रहा है, सबसे पहले होता है इंस्टॉलेशन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम टू एंश्योर व्हाट इज प्लान्ड इज अचीव्ड। बोलते हैं कि अगर मैनेजमेंट सिर्फ प्लानिंग करते रहेगा, स्ट्रैटेजी बनाते रहेगा, लेकिन अगर वो अचीव ही नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं प्लानिंग करके। तो फिर आपको प्लान बनाने के बाद, स्ट्रैटेजीज बनाने के बाद ये भी चेक करना है कि वो अचीव हो रहे हैं या नहीं। तो आपका कि आप लोगों के परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक करोगे उसका कंट्रोल सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, है ना। अगर कोई चीज़ अचीव नहीं हो पा रही होंगी, कोई पर्टिकुलर हमारा बिजनेस, कोई पर्टिकुलर हमारा स्ट्रेटेजी वर्क नहीं कर रहा है, तो उसमें फिर कैसे करेक्टिव एडजस्टमेंट्स ले, उसके लिए कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, मोबिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना। तो मैंने क्या बोला, कंट्रोल मैड गोल्स, ठीक है ना। सो पहला क्या था, इंस्टॉलेशन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका, मोबिलाइजेशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को लेके आएंगे। फिर
फिर ये सारे रिसोर्सेस को बताएंगे कि किसको क्या करना है ना. सो एलोकेशन ऑफ टास्क, एलोकेशन टास्क एंड रिसोर्सेज अमंग दी पर्सन, है ना, लोगों को बताएंगे कि क्या करना है और रिसोर्सेज उनको एलोकेट करेंगे, राइट. देन डी क्या होता है मुझे बताइए, डिजाइन, है ना, हमें ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन, स्ट्रक्चर, डिजाइन हमें स्ट्रक्चर उसका बनाना है. एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड रिजल्ट जो हम अचीव करना चाहते हैं, राइट. सो मुझे जल्दी से आप लोग बताएंगे, कम ऑन, मुझे जल्दी से बताएंगे मैनेजमेंट क्या होता है. दो चीजें, की ग्रुप एंड सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस. की ग्रुप में क्या आता है, इट इज अ चीफ ऑर्गन जो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्पसफुल एंड प्रोएक्टिव एंटिटी बनाता है. ये डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेस को लेके आते हैं हम यहाँ पे, एंड हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस एंड सर्वाइवल डिपेंड करता है कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ इट्स मैनेजमेंट में. बोलते हैं कौन से फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, बोलते हैं कंट्रोलिंग मैड गोल्स, पहला इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, एम से था मोबिलाइजेशन एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज. देन रिसोर्सेज आने के बाद क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे काम, एलोकेशन ऑफ टास्क एंड रिसोर्सेज अमंग पर्सनल. देन डी कंट्रोल मैड गोल्स, है ना, डी से था डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड आखिरी क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल्स. ठीक है, धन्यवाद, मैनेजमेंट वाला टॉपिक खत्म, अगला टॉपिक देखेंगे. नेक्स्ट टॉपिक जो आपको सवाल आ सकता है वो होता है कि सर ये बताओ कि स्ट्रेटेजी क्या होता है. तो इंस्टीट्यूट आपको पूछ सकता है कि सर स्ट्रेटेजी क्या होता है, तो जैसे ही स्ट्रेटेजी पूछा तो ये चार चीज आपको लिख के आना है कि स्ट्रेटेजी से क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन को कोमा से बाहर निकालते हैं. स्ट्रेटेजी जो है ये थ्री डीज के बारे में बताता है. स्ट्रेटेजी जो है ये क्या करता है, ये सक्सेस का तड़का लगाता है ऑर्गेनाइजेशन में. और जब हम तड़का लगाने की बात करें, मसाले की बात करें, तो क्या आता है, एमडीएच का मसाला, है ना. तो स्ट्रेटेजी हम क्या करते हैं, यूटिलाइज एमडीएच, एंड फाइनली ये स्वॉट में हमें हेल्प करता है. देखते हैं, पहला हमने आपको बोला था व्हाट इज स्ट्रेटजी, याद करें, बोलते हैं स्ट्रेटजी इज द गेम प्लान, है ना. स्ट्रेटजी क्या होता है, कम ऑन, स्ट्रेटजी इज द गेम प्लान दैट मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूजेस टू, क्या बताइए, यूजेस टू, बोलते हैं ये स्ट्रेटजी एक ऐसा गेम प्लान होता है जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन को कोमा से बाहर निकाल सकते हैं, है ना. सो पहला क्या होता है बताओ, ये गेम प्लान है विच बिजनेस यूजेस टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस. यस, याद आ रही बात है. नेक्स्ट, कंपीट सक्सेसफुली इन द मार्केट. नेक्स्ट, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. नेक्स्ट, टू टेक मार्केट पोजिशन. एंड आखिरी क्या बताए, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स. क्या आपको याद आ रही है बातें, मुझे बताओ, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स. क्या आपको बातें याद आ रही है जिन लोगों ने हमारे क्लासेस की, कम ऑन फास्ट जल्दी बताएंगे, क्या आपको ये बातें याद आ रही है. यस, कम ऑन, यस. अभी जो मैं ये नोट्स में जो मैंने आपको दिए हैं, ये आपको पूरा याद होना चाहिए. और ये याद कैसे होगा, जब आप ये बार बार रीड करेंगे तब याद होता है. ये डने बाद मुझे बताइए, कम ऑन फास्ट, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, पक्का, हेलो, यस नो, आगे बढ़ोगे, मजा आ रहा है, पक्का आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट, ठीक है ना. ऐसी हम सारी चीजें करने वाले, तुम टेंशन मत लो, आइए. यस, डन, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट बात क्या है बताओ, इट इज ऑल्सो क्या, मुझे बताओ, क्या स्ट्रेटेजी शॉर्ट टर्म के लिए होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है. याद करना, स्ट्रेटेजी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना. सो इट इज अ लॉन्ग रेंज, याद आ रहा है, इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, है ना. मैंने ब्लूप्रिंट का मतलब बताया था रेगुलर क्लासेस में, है ना. अभी हम ज्यादा, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में डेप्थ में नहीं जा सकता, अभी मैं, ये रिविजन चल रहा है, ठीक है. इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट, ऑफ थ्री डीज. पहला क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड इमेज कैसा होना चाहिए, है ना. अगला क्या बताओ, डिजायर्ड इमेज, अगला क्या है, अगला है हमारा डायरेक्शन, कि हम ऑर्गेनाइजेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, है ना. और क्या बताइए, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, राइट, डेस्टिनेशन. तो बोलते हैं स्ट्रेटजी इज द लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट, मतलब एक लॉन्ग रेंज प्लान होता है जिसमें हम बताते हैं कि व्हाट आर ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू, हाउ इट वांट्स टू डू थिंग्स, एंड वेयर इट वांट्स टू गो. नेक्स्ट, बोलते हैं हम क्या करते हैं इसमें स्ट्रेटजी में, बोलते हैं स्ट्रेटजी जो एक कॉन्शियसली, मतलब सोचा समझा, कॉन्शियसली मतलब सोचा समझा एक प्लान होता है. सोचा समझा, इट इज कॉन्शियसली क्रिएटेड स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट एंड एक्शन. तो कंपनी की एक सोची समझी साजिश, कंपनी का एक सोचा समझा प्लान होता है. प्लान किस चीज का, टू यूटिलाइज एमडीएच. पहला क्या होता है बताओ, तू क्या बताए, कम ऑन, यस यस मुझे बताएंगे. तो पहला इसमें आता है टू परसीव एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज. नेक्स्ट, जैसे हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें ना, तो उसके बाद याद आना चाहिए आपको थ्रेट्स के बारे में, है ना. तो हम अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी बना के हम अपॉर्चुनिटीज को क्या करेंगे, पहले परसीव करेंगे, देखेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, कैसे उसको यूटिलाइज करें.
स्ट्रेटजी से हम स्ट्रेटजी में हम देखेंगे। नेक्स्ट तू क्या बताइए, टू मीट चैलेंजेस एंड थ्रेट्स, है ना, चैलेंजेस और थ्रेट्स से डरना नहीं है, है ना, उनको मीट करना है, समझ मा रहे हैं, उनको फेस करना है, और उसमें थ्रेट्स के बावजूद हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे स्ट्रेटजी में बताएंगे, है ना। सो पहला क्या था, तू परसीव एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटी की जैसे ही बात करो अगली बात आनी चाहिए थ्रेट की, टू मीट चैलेंजेस एंड थ्रेट्स। अगला क्या है, टू मोबिलाइज, यस टू मोबिलाइज रिसोर्सेस, है ना, रिसोर्सेज लाने के बाद क्या करूंगा, लोगों को बताऊंगा क्या करना है, टू डायरेक्ट, है ना, डायरेक्शन देना, जैसे मूवी में डायरेक्टर होता है ना वैसा, स्ट्रैटेजी एक डायरेक्टर की तरह है, वो डायरेक्शन देता है किसको, बताओ ह्यूमन एफर्ट को, है ना। सो टू डायरेक्ट ह्यूमन एफर्ट एंड बिहेवियर, एंड आखिरी क्या है, बोलते हैं कि लोगों को जब हमने काम सौंप दिया, अब वो बहुत ढोकलापना भी करेंगे, तो अगर वो ढोकलापना किया उन्होंने तो उसको हैंडल भी करना है, टू हैंडल इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स। क्या आपको बात समझ में आ रही है, आगे बढ़े नेक्स्ट। स्ट्रैटेजी और क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर द टॉप मैनेजमेंट, टू क्या बताइए, चार चीजें, टू मेक फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ्स, कैसे हम हमारे रिसोर्स एंड स्ट्रेंथ्स का पूरा यूटिलाइजेशन करें, यूज करें, टू ऑफसेट जो भी हमारे थ्रेट्स है उसके इफेक्ट को ऑफसेट करें, टू सर्च इवैल्यूएट एंड एक्सप्लॉइट बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना, हाँ, अपॉर्चुनिटीज, एंड क्या बताइए, एंड टू परसीव एंड मीट पोटेंशियल थ्रेट्स एंड क्राइसिस। तो जैसे ही आपको बेटा स्ट्रैटेजी पूछे तो ये चार चीज़ आनी चाहिए, कि स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑर्गेनाइजेशन को कोमा से बाहर निकालने का, स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट ऑफ 3Ds, स्ट्रैटेजी में हम क्या करते हैं, इट इज़ अ कॉन्शियसली डिजाइंड स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंटरनेट एक्शन टू वॉट, टू यूटिलाइज MDH, एंड आखिरी क्या बताओ, SWOT के बारे में इसमें बात करते हैं, ठीक है, डन है बात, ओके आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखें, नेक्स्ट क्या है, बोलते हैं स्ट्रैटेजी का क्या क्या डेफिनेशन दिया था अलग अलग लोगों ने, आपको देखना है। सबसे पहले हमारे जो इग्नोर एंडसॉफ है ना, इन्हें हम फादर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, आपको याद रहेगा मैंने ऐसा बताया था आपको, इग्नोर लिखा है गलती से, आइगोर एंडसॉफ, ठीक है ना, इग्नोर नहीं करना उसको, हाँ, आइगोर एंडसॉफ कौन है बताओ, फादर ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, यस, चेक करेंगे। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि स्ट्रैटेजी जो है ना, स्ट्रैटेजी इज द कॉमन थ्रेड, ये एक धागा है जो सारे ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ के रखता है, इज द कॉमन थ्रेड अमंग द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट मार्केट्स एंड डिफाइंस द एसेंशियल, यस, एंड डिफाइंस द एसेंशियल नेचर ऑफ द बिजनेस, है ना, कि हमारा बिजनेस कैसा है, हम बिजनेस में क्या करते हैं, ठीक है, आगे। वैसे विलियम ग्लॉक करके भी बंदे थे, इन्होंने भी डेफिनेशन दिया था स्ट्रेटजी का, कि इट इज ए यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइन टू अश्योर दैट बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव्ड। बस जो मैंने ये नोट्स में दिया है ये आपको याद करना है बेटा, ठीक है ना, और ये आप बार बार जितना करेंगे उतना आपको याद रहेगा, ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। बोलते स्ट्रेटजी कैन, क्या बताएं, क्या स्ट्रेटजी हमारा हमेशा परफेक्ट रहेगा, कोई भी गड़बड़ नहीं होंगी स्ट्रेटजी में, बोलते गलत, बोलते स्ट्रेटजी कैन नेवर बी परफेक्ट फ्लॉलेस या ऑप्टिमल। बोलते कि सर अगर हमने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना दी तो मैनेजमेंट की तो जरूरत ही नहीं है, बोले ऐसा नहीं चलता, स्ट्रेटजी बनाने के साथ साथ हमें जो है साउंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट की भी जरूरत है, है ना, मैनेजमेंट के बिना जो है स्ट्रेटजी बना ली और मैनेजमेंट ही नहीं है तो काम नहीं चलेगा। बोलते हैं कि इट इज द वेरी नेचर ऑफ द स्ट्रेटजी, बोलते स्ट्रेटजी हमेशा ही कैसी होती बताओ, स्ट्रेटजी हमेशा क्या होती है, ये हमेशा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ये प्रैग्मेटिक होनी चाहिए, प्रैग्मेटिक मतलब जो प्रैक्टिकल क्या बताइए, वर्ल्ड के हिसाब से हमने बनाई, इट इज फ्लेक्सिबल, इट इज प्रैग्मेटिक टू टेक केयर ऑफ सडन एमरजेंसीज एंड अवॉइड फेलियर्स। एंड अगर हमें एक सेंसिबल स्ट्रैटेजी बनानी है तो हमें पहले ही स्ट्रैटेजी बनाते वक्त हमें थोड़ी सी छूट देनी पड़ेगी कि फ्यूचर में कुछ मिस कैलकुलेशंस की वजह से गड़बड़ हो सकती है, फ्यूचर में अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स आ सकते हैं, तो स्ट्रैटेजी में हमें ये अलाउंसेस थोड़ी छूट देनी चाहिए कि थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकें हम फ्यूचर में एनवायरमेंट के हिसाब से। तो इन अ साउंड स्ट्रैटेजी अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशन एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट। क्या डन है बात, यहाँ तक मुझे बताइए, आगे बढ़े, कम ऑन फास्ट, जल्दी बताएंगे, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, जल्दी फास्ट, हाँ डन है बात, पक्का 100%, ठीक है यार, चलो आगे बढ़ रहे हैं, अगली बात देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। क्या बोल रहे हैं,
स्ट्रैटेजी जो है वो पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। क्या स्ट्रैटेजी हमेशा ही रिएक्टिव होती है? नहीं। क्या हमेशा ही प्रोएक्टिव होती है? नहीं। बोलते हैं कंपनी स्ट्रैटेजी इज टिपिकली अ ब्लेंड, ब्लेंड मतलब क्या, मिक्सचर। इट इज टिपिकली अ ब्लेंड ऑफ प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर टू इंप्रूव कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, है ना। मार्केट पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए पहले से ही हम जो बना प्लान बना के चलते हैं वो स्ट्रैटेजी होती है, बोल रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होती है और रिएक्टिव भी होती है। प्रोएक्टिव होते हैं मतलब हम पहले से ही ऐसा प्लान बना के चलते हैं कि हमारा मार्केट पोजीशन कैसा और बेहतर हो सकता है, कैसे हम हमारे कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकते हैं, है ना। सो इट इज प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू इंप्रूव कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, है ना। ऐसे हरकतें करो जिससे हम पहले से ही ऐसी हरकतें करेंगे जिससे हमारा प्रॉफिट ज्यादा हो, जिससे हमारा सेल ज्यादा हो, ऐसा। एंड इट ऑल्सो स्ट्रैटेजी में प्रोएक्टिव एक्शन भी होते हैं, रिएक्शंस भी होते हैं और इसमें, ठीक है ना। बोलते हैं रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स एंड फ्रेश मार्केट कंडीशंस इन द डायनामिक एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट तो चेंजिंग है, तो चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से भी हम जो प्लान्स बनाते हैं वो भी स्ट्रैटेजी में ही आता है। तो स्ट्रैटेजी में प्रोएक्टिव एक्शंस भी आएंगे, रिएक्शंस भी आएंगे, ऐसे। नेक्स्ट बोलते हैं प्रोएक्टिव को, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बेटा प्लान्ड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, याद रखें, ठीक है ना। तो हम प्रोएक्टिव को प्लान्ड स्ट्रैटेजी बोलते हैं और हम रीएक्टिव को, कम ऑन, हम रीएक्टिव को अडैप्टिव, अडैप्टिव स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं, या इट इज अ अडैप्टिव रिएक्शन टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्या डन है बात, मुझे बताइए, कम ऑन फास्ट। यस, एक मिनट देंगे मुझे। रहने बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट बोलते हैं कंपनीज करंट स्ट्रेटेजी, जो हम करंट स्ट्रेटेजी कंपनी बनाते हैं वो दो चीज़ों से बनती है ना। कौन सी दो चीज़? प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस, जो पहले हमने प्लान्स बनाए और जो वर्क किए तो उसको और आगे चलने दो, है ना। सो इट फ्लोज फ्रॉम, क्या बताए, प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस एंड बिजनेस अप्रोचेस दैट आर वर्किंग वेल इनफ टू मेरिट देयर कंटिन्यूएशन। बोले हमने पास्ट में कुछ ऐसे प्लान्स बनाए थे जो वर्क किए, तो फिर ठीक है यार, वो स्ट्रैटेजी बिजनेस में और चलने दो आगे, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी, हमारी करंट स्ट्रैटेजी प्रीवियसली एक्शंस पे बेस्ड हो सकती है, एंड साथ ही साथ क्या बताइए, newly initiated managerial decisions and actions that strengthen the company's overall position performance, है ना। बोलते हैं कि newly previously initiated actions, जो अच्छे काम किए उसको continue रखो, और market में environment में changes के वजह से हम जो नए decisions लेते हैं उसको भी strategy में inculcate करना पड़ता है सर। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर हमें strategy बनाना है तो दोनों में हमें focus करना पड़ेगा, हमें proactive या intended strategy बनानी पड़ेगी, है ना। तो इसको planned लिख दो, या इसको हम intended भी बोल सकते हैं, इंटेंडेड स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। हाँ, बोलते हैं इट इज बेस्ड ऑन प्रायर सक्सेसफुल एक्सपीरियंस एंड रिएक्टिव एंड अडैप्टिव स्ट्रैटेजी विच इज अडैप्टिंग टू द एनवायरनमेंट व्हेन मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस टेक अनएक्सपेक्टेड टर्न और सम एस्पेक्ट ऑफ कंपनी स्ट्रैटेजी हिट्स अ स्टोन वॉल। कुछ स्ट्रैटेजी है जो हमारी वर्क ही नहीं कर रही, हमने स्ट्रैटेजी बना ली थी लेकिन अब वर्क नहीं कर रही, तो क्या करें, अब तुरंत चेंजेस करने पड़ेंगे। याद है हमने इसमें आपको बताया था वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का, मैंने बोला था, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह का, कि हमने तो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाई, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अगर दनादन आग ही आग लगते जाएंगी गाड़ियों में तो कुछ और हमें अब सोचना पड़ेगा उसमें, है ना, उसको बेचने के लिए उसको और सेफ बनाना पड़ेगा। यही चीज़ हमने फिर लिमिटेशन में भी बात की थी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। चलिए, ये डरने बाद मुझे बताइए आगे बढ़े, है ना। मैंने इसमें, अच्छा, मैंने इसमें वो भी दिया था, विक्स का एग्जाम्पल आपको दिया था, है ना, वो नाइक्विल डेक्विल क्लासेस में बताया हुआ है। चलो वापस आएंगे। नेक्स्ट फिर बात आती है, हमने देख लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होनी चाहिए कि रिएक्टिव होनी चाहिए, देख लिया। अगली बात आती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। अब बेटा देखो, आपको ना क्या करना है, एक बेसिक प्रोसेस माइंड में याद रखना है। हमें जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे तो सबसे पहले क्या हम सेट करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन, है ना। तो हमें सबसे पहले हमारा ऑर्गेनाइजेशन का विजन एंड मिशन सेट करना है। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, बोलते हैं मिशन, विजन एंड मिशन के हिसाब से अब स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करो। हमारे जैसे और कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके कैसे प्रोडक्ट्स हैं, हम हमारे प्रोडक्ट को कैसे और बेहतर बना सकते हैं उनसे, ऐसा।
तो पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए विजन मिशन बनाओ, देन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कीजिए आप। फिर क्या करेंगे आप, अब ये जो विजन मिशन बनाया इसके हिसाब से गोल्स बनाएंगे और गोल्स के हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव्स जो कि क्लियर हो, स्पेसिफिक हो, देन क्रिएटिंग। अब ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए स्ट्रेटेजी बनती है, पहले विजन बनता है, विजन के हिसाब से मिशन, मिशन के हिसाब से गोल्स, गोल्स के हिसाब से ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। तो क्रिएटिंग, चूजिंग, इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजीज, एंड फाइनली हमें क्या बताइए, सिर्फ स्ट्रेटजी बनाना ही स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है? अरे भैया, स्ट्रेटजी बनाने के बाद मेजर तो करो, चेक तो करो कि स्ट्रेटजी वर्क किया नहीं, इवैल्यूएट तो करो हमारे क्या बताइए परफॉर्मेंस को, कि हमने जो प्लान किया था वो सच में वर्कआउट किया या नहीं। अब ये तो हो गया, हम अगर एक बेसिक उसको एक क्या बताइए एक सीक्वेंस में पढ़े तो भी याद हो सकता है, या इसके लिए मेमोरी टेक्निक की भी दे दिया कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होता है। तो याद रखते हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एनालिसिस फ्रॉम स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज व्हाट? इट इज एनालिसिस फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको, ऐसा सीक्वेंस में भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना? तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूछा तो ये लिख के आना आपको, लेकिन अगर आपको बोले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, अब देखो है वो भी सिमिलर ही चीज, आप बात समझो। अरे यार, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब कि हम करते क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वैसा, ठीक है ना? दोनों सिमिलर चीज ही है, लेकिन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूछा तो एनालिसिस फ्रॉम स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूछ रहे हैं तो फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पूछ रहे हैं तो फिर आपको ये वॉइसेज याद रखना है, सेम सिमिलर चीज है, लेकिन मैंने वही बोला ना, देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या है, आपको कुछ कुछ जगह पे ओवरलैपिंग दिखेगी, ये लाइन तो इधर भी लिखी थी, ये लाइन इधर भी लिखी है, ऐसा होता है बहुत बार, है ना? तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट समझना है, एग्जाम्पल्स आपको मैं बताऊंगा, सब समझा के दूंगा, लेकिन आखिरकार याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो याद करके लिखना पड़ेगा। अब बात समझ पा रहे क्या बोल रहा हूँ? यस नो, मुझे बताइए, कम ऑन, यस, क्या हम बढ़ेंगे आगे, फिर बताओ ना प्लीज, जाने क्या? ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट, है ना? तो बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज व्हाट, इट इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट मैनेजर्स अंडरटेक टू पुट देयर फर्म्स इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन एंड टू कम्पीट सक्सेसफुली इन द मार्केट प्लेस। जो भी एक्टिविटीज मैनेजर्स करते हैं ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट पोजीशन पे पहुंचे एंड अच्छी तरीके से कॉम्पीट कर सके, बाकी लोग हम आउट परफॉर्म कर सके, ये सारी एक्टिविटीज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में आती है। अगेन सेम वही सीक्वेंस है, क्या करेंगे, सबसे पहले हमें हमारा विजन सेट करना है, देन उसके हिसाब से गोल्स बनेंगे, एंड गोल्स के हिसाब से होता है एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें ना डायरेक्ट है, पहले विजन सेट करो, उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए स्ट्रेटजी बनाओ, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए स्ट्रेटजी बनाओ। क्या प्लानिंग करके छोड़ दूँ? बोले प्लानिंग करके उसको इम्प्लीमेंट भी करो, पहले उसको इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्यूएटिंग, देन इम्प्लीमेंट किया फिर चेक करो बराबर वर्क किया नहीं, और अगर बराबर वर्क नहीं किया है तो फिर करेक्टिव एडजस्टमेंट्स भी करने पड़ेंगे। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूछा तो ये लिखना है, आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस बोला तो क्या बोलेंगे, पहले विजन बनाओ, उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी, उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट एंड इवेल्यूएट करो स्ट्रेटेजी को, एंड देन करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करो वेर एवर रिक्वायर्ड। आगे बढ़ेंगे अगली बात, फिर आता है व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। याद रहे दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके, ये दो मार्क का छुटपुट सवाल आ सकता है या एमसीक्यू में आ सकता है। तो पहला क्या है, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर्स जिसको वैल्यू करें, कस्टमर्स जो बोले यार ये तो बाकी कंपनी से ये चीज इसके अलग है ऐसा। सो टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, फटाके फूट रहे हैं यहाँ पे, रुक जाओ एक मिनट। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या है बताओ? यस कम ऑन, क्या बोला मैंने इसमें? यस, टू गाइड, रुकिए एक मिनट, चलिए ठीक है कोई बात नहीं।
तो पहला क्या था, टू क्रिएट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा अलग होना चाहिए बाकियों से, तब जाके आपका ऑर्गेनाइजेशन बाकियों को आउट परफॉर्म, आप बाकी कॉम्पिटिटर से आगे निकल पाएंगे। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको इसमें हेल्प करेगा, एंड साथ ही साथ इट विल गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल दी चेंजेस इन द एनवायरमेंट, है ना। एक और बात बेटा याद रखना कि हम जब मेमोरी टेक्निक पढ़ते हैं ना, हमारा प्रॉब्लम, मतलब मैंने क्यों ऐसे नोट्स बनाए, आप इस बात को समझो। मैं देखो, मैं आपको ऐसे भी पढ़ा सकता हूँ कि द कंपनीज करंट स्ट्रेटेजी फ्लोज फ्रॉम प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस एंड न्यूली इनिशिएटेड मैनेजरियल डिसीजन। बस अब इसमें होता क्या है ना कि बच्चे को ये तो याद हो जाता है, इसके आगे क्या लिखना है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं तो आपको सभी बताते जा रहा हूं, फिर आप क्या करेंगे, इसको बार बार याद करेंगे और फिर आगे का भी रीड करना है। सिर्फ सब पॉइंट लिख के काम नहीं, अंदर का कुत्तों माल लिखना पड़ेगा ना भाई। आप बोलेंगे कि स्ट्रेटेजिकली हमें प्रोएक्टिव भी लगती रिएक्टिव भी लगती, ठीक है, तो प्रोएक्टिव मतलब क्या, रिएक्टिव मतलब क्या, लिखना तो पड़ेगा ना। आप समझ पा रहे क्या बात मैं क्या बोल रहा हूं? हम बोलेंगे आइगर एंड सब ने क्या बोला, व्हाट इज स्ट्रेटेजी, बोले कॉमन थ्रेड। अरे पर क्या कॉमन थ्रेड, ये प्रॉब्लम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, ऑडिट सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, बोले व्हाट इज स्ट्रेटेजी, बोले मोबिलाइज डायरेक्ट हैंडल यूटिलाइज मीट। अरे पर क्या मोबिलाइज, क्या डायरेक्ट, क्या हैंडल, क्या यूटिलाइज, क्या, आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो मैं ये नोट्स जब मैंने बनाए तो मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ इतना इतना लिख सकता था ना, आगे का तो जरूरत ही नहीं था। अरे भैया आगे का भी जरूरत है, ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट, चलिए ठीक है। तो बोलते हैं टू गाइड कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट एंड दैट इज टू क्या बताइए, दैट इज टू रिएक्ट, हम कैसे रिएक्ट करें इन द राइट मैनर, एनवायरनमेंट के चेंजेस के लिए हम कैसे रिएक्ट करें इन द राइट मैनर, इन द राइट, ये कौन बताएगा, स्ट्रेटजी मैन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फिर आता है आपका इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका आप, मैंने आपको पूरा स्टोरी बताया था, फिर बताया था मेमोरी टेक्निक क्या, भैया बताओ फेसबुक पे फ्रेम वाली डीपी क्यों लगाते हैं, तो क्यों, इसमें दो है इसलिए रेस टू पावर टू है वो, है ना। तो फेसबुक पे फ्रेम वाली डीपी डीपी क्यों लगाते हैं, ठीक है ना। तो चेक करेंगे, बोलते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहले ये हमें, ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है इन ऑर्डर टू क्या बताइए, फेस द फ्यूचर। इट एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर, याद रहा है आपको, ये पाथ फाइंडर सही रास्ता ढूंढने में हमें हेल्प करेगा, पाथ फाइंडर टू वेरियस अपॉर्चुनिटीज, सही अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने में हेल्प करेगा, है ना। ये सारे अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई भी करेगा एंड वेज भी बताएगा, तरीके बताएगा कि कैसे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें सर, राइट। सो पहला क्या है, फेसबुक पे फ्रेम वाली डीपी, फेसबुक फेस हो गया। अगला है फ्रेम वाली, बोलते स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स अ क्या बताए, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस, बोले कौन से डिसीजन, कौन से बिजनेस में हमें जाना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, हम कौन से मार्केट्स में रहने चाहिए, है ना, हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इसका डिसीजन लेने में हेल्प करेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बोलते स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फेसबुक पे फ्रेम वाली डी, है ना, डी से क्या आएगा बताओ, इट गिव्स ऑर्गेनाइजेशन अ डायरेक्शन, तुम्हारा डी से, ये डी से डायरेक्शन, ठीक है ना, डायरेक्शन टू मूव अहेड एंड हेल्प्स टू डिफाइन गोल्स एंड मिशन, हमारे गोल्स एंड मिशन क्या होंगे वो डिफाइन करने में हेल्प करेगा। एंड बोलते हैं इट आल्सो हेल्प्स इन डिफाइनिंग रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इन लाइन विद द विजन, है ना। तो आप या तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, हेल्प्स टू डिफाइन गोल्स एंड मिशन इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी, खत्म होगी बात। आप ऐसा लिख सकते हैं, इट हेल्प्स टू डिफाइन गोल्स एंड मिशन इन लाइन विद द विजन ऑफ द कंपनी, खत्म। हमारे विजन के हिसाब से गोल्स मिशन सेट करने में हेल्प करेगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या हो गया, डी पी, पी से क्या है बताओ, कमन, पी से क्या है, बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें जो है ना प्रोएक्टिव रहना सिखाता है। देखो स्ट्रेटेजी हमारी प्रोएक्टिव रिएक्टिव दोनों होनी चाहिए, लेकिन प्रोएक्टिव ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप हर बार सिर्फ रिएक्शन पे ही
बिलीव करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे हमने एग्जाम का आपको दिया था, एग्जाम का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, है ना, कि मैंने बोला था कि जैसे बच्चे जो है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको पहले से समझ में आ जाता कि भैया जब क्लासेस चल रही ना तभी रिविजन करो, जब क्लासेस चल रही ना साथ साथ में सर जो दे रहे हैं वो पढ़ो, क्वेश्चन भी सॉल्व करो घर पर। कुछ लोग को पहले ये बात समझ में आ जाती, बोले ऐसा करेंगे तो ही पास होंगे, और वो पास हो जाते। कुछ बच्चों को समझ भी नहीं आता, है ना, बाद में जब एग्जाम में फेल होते फिर याद आता, अच्छा सर जो बोल रहे थे वो तो करना चाहिए था। ये होता है रिएक्टिव, नहीं रिएक्शन। तो बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें प्रोएक्टिव रहना सिखाता है, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव, क्योंकि पहले से ही हम प्लानिंग करके चलेंगे। इट हेल्प्स टू एनालाइज एंड टेक एक्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग मियर स्पेक्टेटर्स। बोलते हैं कि सिर्फ हम देख रहे हैं कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हमसे आगे बढ़ रहे हैं, अरे भैया तुम भी कैसे आगे बढ़ोगे उसमें हेल्प करेगा ये। बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन की खुद की डेस्टिनी को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। समझ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि SM helps the organization to control its own destiny। हमारी डेस्टिनी हमारे हाथों में होनी चाहिए, हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर हम क्या सही समय पे सही काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर तो समय जो है ना, क्या बताएं, समय बताएंगा फिर क्या करना है, है ना। तो क्या बोलते हैं ना कि बदलते समय में अगर हम खुद नहीं बदले तो फिर ये जो बदलता समय आपको बदल देगा, ऐसा कुछ पता ही नहीं, ऐसा कुछ है ना, ऐसा हिंदी में। आगे बढ़े, चलो बोलते क्या मैंने बोला, फेसबुक पे फ्रेम वाली DP क्यों लगाते हैं, तो दो सी है। पहला क्या है, इट ऑल्सो सर्व्स एज अ कॉरपोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, याद आ रहा है, इट सर्व्स एज अ कॉरपोरेट डिफेंस, यस कम ऑन, मैकेनिज्म राइट अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स, है ना, मतलब जो हमारे गड़बड़ होती है तो उसके लिए डिफेंस में हमें हेल्प करेगा स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की, चलो गड़बड़ हो गए अब क्या करें, अब कैसे इसे ठीक करें। या बहुत बार तो हमने चूंकि पहले से ही SM को अपनाया होता है बिजनेस में, तो इट हेल्प्स इन ऑल्सो अवॉइडिंग कॉस्टली मिस्टेक्स, है ना, गलतियां करने से भी हमें बचाता है SM। ऐसा SM हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप, क्या बताइए, डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज, इसका मतलब मैंने क्लासेस में बताया था, है ना, हाँ हमने वॉलमार्ट का एग्जाम्पल लिया था, याद आ रहा है, कॉम्पिटेंसीज, कोर कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करने में हेल्प करता है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को डेवलप करने में हेल्प करता है, एंड इट ऑल्सो एनहेंसेज द, क्या बताइए, यस कम ऑन, आखिरी क्या है, क्यों लगाते हैं L, आखिरी क्या है, इट ऑल्सो एनहेंसेज द लॉन्जेविटी या लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, इट हेल्प्स टू टेक अ क्लियर स्टैंड, बताता है ऑर्गेनाइजेशन दुनिया को कि हम, हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या है और हम कैसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम किस टारगेट कस्टमर को, किस मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, है ना। बोलते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ एक्सपेक्टेशंस की बातें नहीं करते, सिर्फ प्लान नहीं बनाते, हम एक्शंस की भी बातें करते हैं ना, एक्शंस ओवर एक्सपेक्टेशन इज व्हाट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इंश्योर्स। चलिए एक बार जल्दी से बताएंगे, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, कम ऑन, फेसबुक पे फ्रेम वाली DP क्यों लगाते हैं, पहला हेल्प्स टू फेस द फ्यूचर, एक्ट्स एज अ पाथफाइंडर, दूसरा फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस, तीसरा प्रोवाइड्स गिव्स अ डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स इन डिफाइनिंग गोल्स मिशन अकॉर्डिंग टू द विजन, फिर अगला क्या बताओ, पी से, है ना, पी से क्या है कॉमन, इट हेल्प्स टू बी प्रोएक्टिव, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, है ना, फिर अगला क्या है, नेक्स्ट है क्या बताइए, इट एक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, एंड आखिरी क्या है, क्यों लगाते L, L क्या है, एनहेंसेज द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, ज्यादा लंबे समय तक अपने बिजनेस को चला पाएंगे। एंड यहाँ पे से हम एक्सपेक्टेशन की बातें नहीं करेंगे, हम ये कर देंगे ना वो कर देंगे, हम ये कर देंगे ना वैसा कर देंगे, हम इसको एक्चुअल में कैसे करें, एक्शंस में, उसमें भी हेल्प करेगा, एक्शंस ओवर एक्सपेक्टेशन इज व्हाट SM इंश्योर्स। आगे बढ़े अगली बात, नेक्स्ट देखेंगे, कम ऑन, फिर बात आती है सर लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या है। मैंने आपको इसमें याद करूं, हमने आपको इसमें सुंदर पिचाई सत्या नडेला का एग्जाम्पल दिया था, अरे यार ये क्या टाइम पास करने, चलो डन है क्या बात, ओके आगे बढ़े बेटा, यही है हमारे वर्ड्स। बोलते हैं सर अब हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं ढोकला, अभी इससे ज्यादा हम हमारे वर्ड्स में नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, पास इन मारी में क्या बोल रहा हूँ, और अपने वर्ड्स में लिखना बेटा, यही है अभी, अब इससे कम क्या करूँगा अब आप। चलो ये सब कीवर्ड जरूरी है, ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, चलो आगे नेक्स्ट, हाँ फिर मैं क्या बोल रहा था, आगे बढ़े क्या ढोकले सवाल पूछ रहा, आगे बढ़ो, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बात है हमारा अगला क्या बताओ, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, याद है ना मैंने आपको इसमें सैलरीज वगैरह बताए थे टॉप मैनेजमेंट की, ठीक है ना। तो पहला केस में बताइए,
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज व्हाट, इट इज अ कॉस्टली, है ना, कॉस्टली एटसेट्रा याद आ रहा है, इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस एंड डैश इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस. क्यों कॉस्टली है? क्योंकि हमें ऐसे एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स को हायर करना पड़ता है, एक्सपर्ट लोगों को हायर करना पड़ता है स्ट्रेटजीज बनाने के लिए, ठीक है ना. हाँ, तो एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स को हायर करने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है, हमारे एनवायरमेंट को एनालिसिस करने का खर्चा आता है ज़्यादा, है ना. देन इसके लिए डिवाइस करना स्ट्रेटजी और इम्प्लीमेंट करने में खर्चा लगता है, ठीक है. आगे फिर बोलते हैं कॉस्टली एटसेट्रा एटसेट्रा ETC. इसे क्या था? एस्टिमेट. बोलते हैं इट इज़ डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, याद रहे, इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज टू अ फर्म स्ट्रेटजी. याद रहे कुछ आपको? बोलते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो बंद दरवाजों में बनाते हैं स्ट्रेटजी. याद रहेगा, इसमें हमने ये एग्जांपल दिया था वो एप्पल वाला, कि एप्पल ने जैसे ही 3.5 mm ऑडियो जैक हटा दिया आईफोन से, तो तुरंत सारे स्पीकर कंपनीज वालों को अपना भी ट्रूली वायरलेस ईयरफोन सबको लॉन्च करने पड़े, ठीक है. आगे देन टी से क्या आता है? कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, याद रहे, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम. किस में टाइम लगता है? बोले प्रिपेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द स्ट्रेटेजी. बोलते बहुत बार सिर्फ प्लानिंग करने में ही इतना टाइम निकल जाता कि फिर इम्प्लीमेंटेशन को भी कम टाइम बचता है और फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. जैसे अभी जब हमारा रिजल्ट आ गया है, CA इंटर का रिजल्ट आ गया था पिछले अटैम्प का, तो बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे अब मुझे मैसेज कर रहे कि सर अब बताओ क्या करूँ. तो ढोकले इतने दिनों से क्या कर रहे थे है? ये होता है. बोले सर हम प्लानिंग कर रहे थे पर कुछ अब समझ भी नहीं आ रहा, अब बताओ सर. आप समझ रहे हैं? तो हमको क्या मतलब, बहुत बार क्या होता है ना, प्लानिंग करने 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 में ही क्या बताओ इतना समय निकल जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन फिर अच्छे से होता नहीं. इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. आगे तो कॉस्टली एटसेट्रा ETC. सी क्या है? बोलते हैं हमारा जो एनवायरमेंट है ना, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट है. क्या है? कॉम्प्लेक्स. इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स. एनवायरमेंट जो है ना, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट है. बहुत ज़्यादा चेंज होता है, धनाधन धनाधन हाई स्पीड से चेंज होता है. सो इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सच एनवायरमेंट. ऐसे एनवायरमेंट को बहुत अच्छी तरीके से समझना डिफिकल्ट है. तो जो हमने फ्यूचर के एस्टिमेट्स किए होंगे, इट मे गो रॉन्ग. स्ट्रैटेजी बनाने के लिए फ्यूचर के कुछ तो एस्टिमेशंस करने पड़ेंगे. तो ऐसा हो सकता है कि एनवायरमेंट इतना चेंजिंग है तो हमने जो सोचा था वैसा हो ही ना. इसमें हमने अगेन वो आपका जो नहीं क्या EV इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपको बोला था, इस ऑर्गेनाइजेशन से बहुत पैसा लगा दिया EV इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में, है ना. गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन अब कस्टमर्स ही प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते क्योंकि धनाधन आग पे आग लगते जा रही. ओला वगैरह का काफ़ी एग्जाम वो मैंने वीडियो देखा था आपको रेगुलर क्लास में, याद आ रहा है. चलो वापस आएंगे. व्हाट आर दी लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट? कम ऑन. कॉस्टली एटसेट्रा एटसेट्रा. स्ट्रेटजी मैनेजमेंट कॉस्टली है. देन डिफिकल्ट टू एस्टिमेट आर कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स कॉम्पिटिटर्स स्ट्रेटजीज. देन क्या है तीसरा? टी. इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. एंड चौथा क्या है? ETC. आखिरी सी क्या है बताओ? कम ऑन, आखिरी सी क्या? इट इज एनवायरमेंट जो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स टर्बुलेंट है. तो हमने जो फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट किया होगा वो गलत हो सकता है क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हो सकता है. इसके वजह से हमने जो स्ट्रेटजीज बनाई थी वो सारी वर्क करेंगी नहीं फिर तो ऐसा. चलिए तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार फिर से ऊपर से जल्दी वापस रिवाइज करेंगे. चलिए कम ऑन वापस से. बोलते हैं सबसे पहली बात आती है कि सर मैनेजमेंट क्या होता है. कम ऑन, यस कम ऑन. मैनेजमेंट क्या होता है? जब भी आपको पूछे व्हाट इज मैनेजमेंट, दो चीज आएंगे. द की ग्रुप विच इज इन चार्ज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अफेयर्स एंड द सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन जो वो लोग करते हैं. पहला क्या आपका की ग्रुप में आता है कि मैनेजमेंट इज द चीफ ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी. क्या करता है मैनेजमेंट? ये डिसऑर्गेनाइज रिसोर्सेस को लेके आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एंड कंबाइंस इट इनटू अ फंक्शनिंग होल. हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल एंड सक्सेस डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट. बोलते हैं मैनेजमेंट में दूसरी चीज जो है वो ये आती है इंटर रिलेटेड फंक्शंस विच क्या बताए विच रिलेट टू कंट्रोलिंग मैड गोल्स इंस्टॉलेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम है ना टू क्या बताए टू एंश्योर व्हाट इज प्लान इज अचीव. अगला मोबिलाइजेशन ऑफ एंड एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आने के बाद क्या करेंगे? एलोकेशन ऑफ टास्क एंड रिसोर्सेज अमंग पर्सनल. देन डिजाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल्स. नेक्स्ट बात आती है सर स्ट्रेटजी क्या होता है. स्ट्रेटजी बोला तो चार चीज आएंगी. इसमें क्या आएगा? सबसे पहले आपका कोमा, 3D, यूटिलाइज MDH एंड SWOT. सबसे पहले क्या है? स्ट्रेटजी इज अ गेम प्लान. इट इज अ गेम प्लान दैट ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू क्या बताओ
ऑर्गेनाइजेशन यूजेस टू कम आउट ऑफ कोमा, है ना। तो गेम प्लान टू क्या बताए, कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, कंप्लीट सक्सेसफुली, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, टेक मार्केट पोजीशन, अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स। इट इज अ लॉन्ग रेंज, इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ थ्री डीज। क्या क्या बताओ, डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। इट इज कॉन्शियसली, है ना, सोचा समझा, सोची समझी साजिश, है ना, कॉन्शियसली डिजाइन, डिजाइन स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंटरनेट एक्शन टू यूटिलाइज MDH। याद रहे, हाँ, बोलते हैं कि टू यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज, मीट चैलेंजेस एंड थ्रेट्स, मोबिलाइज रिसोर्सेज, डायरेक्ट ह्यूमन एफर्ट्स एंड हैंडल इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स। एंड फाइनली हम स्ट्रेटेजी में, इट प्रोवाइड्स एन फ्रेमवर्क टू टॉप मैनेजमेंट, की ये टॉप मैनेजमेंट को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है टू वॉट, टू मेक फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ्स, टू ऑफसेट थ्रेट्स, टू सर्च इवेल्युएट एक्सपर्ट अपॉर्चुनिटीज एंड मीट पोटेंशियल थ्रेट्स द एनवायरमेंट। ठीक है, आगे फिर मैंने बोला स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन, आइगर एनसॉफ ने क्या बोला कि स्ट्रैटेजी इज अ कॉमन थ्रेड, राइट, जो बताते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कैसा है। विलियम ग्लॉक ने क्या बोला कि स्ट्रैटेजी एक ऐसा प्लान होता है जो अश्योर करता है दैट बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव्ड। क्या स्ट्रैटेजी अगर बना लिया तो क्या मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है? गलत। बोले स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट, फ्लॉलेस, ऑप्टिमल नहीं हो सकती। स्ट्रैटेजी हमेशा फ्लेक्सिबल एंड प्रैग्मेटिक ही होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें कुछ छूट देनी चाहिए। अलाउंसेज शुड बी मेड फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशंस। बोलते हैं स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होती है या रिएक्टिव होती है? बोलते हैं स्ट्रैटेजी ना दोनों का मिक्सचर होती है। हमारे प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस, हमारा स्ट्रैटेजी जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शंस, जिस जो हमारे पास्ट में वर्क किए उसको आगे भी चलने दो। एंड हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन न्यूली इनिशिएटेड मैनेजरियल डिसीजंस, जो बदलते एनवायरमेंट के हिसाब से मैनेजर को लेने पड़ते हैं। तो इससे स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों होती है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पूछा तो क्या बोलेंगे, एनालिसिस फ्रॉम स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू। पहले विजन मिशन बनाओ, उसके हिसाब से विजन मिशन बनाओ, फिर स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करो, उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, फिर क्रिएट, चूज, इंप्लीमेंट करो स्ट्रैटेजीज को, एंड देन मेजर एंड इवेल्युएट करो परफॉर्मेंस को। लेकिन आपको पूछे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, तो फिर आपको वॉइसेस लिखना है। अगेन सिमिलर चीज ही है, पहले विजन बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, विजन के हिसाब से हमारे ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उसको इंप्लीमेंट करो, इवेल्युएट करो, एंड देन फाइनली करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करो वेर एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर बात आती है ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दो चीज है, टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड टू गाइड दी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ऑल दी चेंजेस इन द एनवायरमेंट, दैट इज टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू रिएक्ट इन द राइट मैनर। आगे बोलते हैं इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मेमोरी टेक्निक क्या था, फेसबुक पे फ्रेम वाली DP क्यों लगाते हैं, याद आ रहा है। पहला क्या है, इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर, प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट गिव्स डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन, हेल्प्स टू डिफाइन गोल्स एंड मिशन इन लाइन विद द विजन। फेसबुक पे फ्रेम वाली DP हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू बी प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। क्यों लगाते हैं, सी, दो बार सी है, है ना, इट सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स एंड हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज। क्यों लगाते, एल, इट एनहेंसेस द लॉन्गेविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आगे है ना, फिर बात आती है कि लिमिटेशंस क्या है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशन है, अच्छा, कॉस्टली एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। बोलते हैं ये एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस होता है, ये क्या बताइए हम, इट इज डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स ऑफ दी क्या बताइए, ऑफ आर कॉम्पिटिटर्स। नेक्स्ट फिर क्या आता है, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एंड आखिरी क्या था हमारा, आखिरी सी क्या था हमारा, कमॉन, बोलते हैं हमारा एनवायरमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट नहीं, एनवायरमेंट हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट होता है। एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स है, इसके वजह से हमने स्ट्रैटेजी बनाते वक्त जो एस्टिमेशंस किए होंगे वो गलत भी तो साबित हो सकते हैं, तो हमारी स्ट्रैटेजी वर्क करेंगी ही नहीं अगर एनवायरमेंट बदल जाएगा तो। अरे यार कमॉन, याद आ रही क्या बात है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट, कमॉन फास्ट। अगली बात बेटा हम करेंगे स्ट्रैटेजिक इंटेंट की। स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या बोलते हैं कमॉन, बोलते हैं कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन चालू करते हैं ना तो मैनेजर्स को दो सवालों का जवाब देना पड़ता है, व्हाट दे वांट टू डू, व्हाई दे वांट टू डू इट। तो बोलते हैं ये जो व्हाई दे वांट टू डू होता है ना, यही होता है स्ट्रैटेजिक इंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया था आपको शार्क टैंक का, जब भी कोई व्यक्ति पिच करने आता है अपने बिजनेस के बारे में तो शार्क्स पहले ही पूछते हैं कि आप ये बिजनेस में आए ही क्यों, ऐसा है ना। तो बोलते हैं कि क्या बताए, इसे बोलते हैं स्ट्रैटेजिक इंटेंट, द पर्पस ऑफ डूइंग द बिजनेस। आगे
बोलते हैं क्लैरिटी, हमारे इंटेंट में क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है। जितना ज्यादा हम क्लियर रहेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमने क्यों चालू किया उसके लिए, उतना ज्यादा हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे और ग्रो कर पाएगा। ठीक है, सो क्लैरिटी इन द स्ट्रेटजी इंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इट इज क्या बताइए, इट इज द फिलोसॉफिकल बेस, मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम सारी स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं बिजनेस को आगे करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, कॉम्पिटेंस से आगे बढ़ने के लिए, है ना, हमारा सेल्स प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं उसका फिलोसॉफिकल बेस कौन प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट। आगे बोलते हैं स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स अ, क्या बताइए, यस ये क्या होता है बोलो ना, अ स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स, कम ऑन, प्रोवाइड्स पर्सपेक्टिव, प्रोवाइड्स अ पर्सपेक्टिव of the means which will lead the organization to reach its vision. क्या बोल रहे हैं, हमें strategic intent एक perspective provide करता है कि हम जो organization में कर रहे हैं, हम जो हमारे organization में resources को use कर रहे हैं वो वैसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसे products बना रहे हैं, तो इसका perspective provide करेगा strategic intent। बोलते हैं it is an idea what organization desires to attain in future। हम हमारे प्रोडक्ट से बदलाव लाना चाहते हैं एनवायरमेंट, तो कैसे है ना, क्यों लाना चाहते हैं ऐसा, वो इंटेंट बताता है ऐसा। ठीक है ना, एग्जांपल दिया। नेक्स्ट इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स फॉर या व्हाट ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर, हम किस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा स्ट्रेटेजिक इंटेंट बताता है ये। डने बात आगे, फिर मैंने आपको बताया था क्लासेस में एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, याद रहे, सबसे पहले इसमें आता है कि कॉर्पोरेट लेवल वाले लोगों के लिए क्या होता है, विजन एंड मिशन, है ना, तो विजन एंड मिशन आ जाता है फॉर द कॉर्पोरेट लेवल पीपल। देन अगला क्या होता है, बिजनेस डेफिनेशन, डिफाइन करना हमारे टारगेट कस्टमर्स को, एंड बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल क्या होता है कि हम पैसा कैसे कमाना चाहते हैं, याद रहे, तो क्या बोलते हैं, इट इज द क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक इंटेंट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ विजन एंड मिशन एट द कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस डेफिनेशन बिजनेस मॉडल एज द एट द बिजनेस लेवल, एंड आपके ऑपरेशनल लेवल पे क्या होते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। क्या आपको अब समझ में आ रहा है कि मैंने जो क्लासेस में आपको पढ़ाया है उसको कैसे याद रखना है, इस तरीके से ये चीजें याद रखनी है आपको एग्जाम के लिए। अब बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट फिर बात आती है विजन क्या होता है, आइए भैया आगे बढ़ेंगे। वॉट इज विजन, बोलते हैं स्ट्रेटेजी भी एक ब्लू प्रिंट था, ये भी एक प्रकार का ब्लू प्रिंट है, लेकिन ये किस चीज का ब्लू प्रिंट है, स्ट्रेटेजी क्या था, स्ट्रेटेजी वॉज अ लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट ऑफ द थ्री डीज, पर ये किसका है, विजन होता है, विजन जो है ये भी ब्लू प्रिंट होता है, पर किस चीज का, ये ब्लू प्रिंट होता है ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजिशन, कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ठीक है ना। बोलते इट शोज द मैनेजमेंट्स एस्पिरेशंस फॉर द मैनेजमेंट्स, क्या मैनेजमेंट के लोग क्या एस्पायर करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन, ठीक है ना। इट प्रोवाइड्स अ पैनारोमिक ओवरऑल व्यू प्रोवाइड करता है विजन ऑफ वेयर वी वांट टू गो, ऑफ वेयर वी वांट टू, है ना। बोलते हैं कि विजन एक रैशनल रीजन, रैशनल मतलब क्या होता है, ये एक रीजन प्रोवाइड करता है फॉर वाई दिस makes a good business sense, हम जो business कर रहे हैं, why it makes a good business sense, इसका एक, या हम जो भी activity करेंगे business में वो activity क्यों, it why it makes good sense, बोलते कि ये हमारे vision को achieve करने में help करेगी। ऐसा जब organization में vision होता है ना, तो हम कोई भी activity करते हैं तो उसका reason हम दे सकते हैं कि देखो ये हम activity इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा vision achieve हो सके, ठीक है। आगे बोलता है क्लियरली आर्टिकुलेटेड स्ट्रेटेजिक विजन किस में हेल्प करेगा, बोलते हैं ये कम्युनिकेट करता है, याद रहे, ये कम्युनिकेट करता है मैनेजमेंट्स एस्पिरेशन टू द स्टेक होल्डर्स, जो भी लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग में इंटरेस्टेड है, यस कम ऑन, जो भी लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग में इंटरेस्टेड है उनके लिए क्या करेगा बताओ, यस कम ऑन, जो भी लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग में इंटरेस्टेड है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड है, ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छा काम करेगा तो इन लोगों को फायदा होगा, जैसे कि हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे एम्प्लॉयज, हमारे कस्टमर्स। तो बोलते हैं कंपनी का जब विजन पढ़ते हैं ना ये लोग, जब स्टेक होल्डर्स कंपनी का विजन पढ़ते हैं ना, विजन, तो विजन पढ़ के समझ में आ रहा है, विजन पढ़ के इनको पता चलता है अच्छा मैनेजमेंट कंपनी को इस
इस पोजीशन पे लेके जाना चाहता है क्या ऐसा। तो जो विजन स्टेटमेंट होता है ना, इट कम्युनिकेट्स द मैनेजमेंट्स एस्पिरेशन टू द स्टेक होल्डर्स एंड विजन पढ़ के इट स्टर्स द एनर्जीज ऑफ द कंपनी पर्सनल। सारे कंपनी के लोग एक कॉमन डायरेक्शन में काम करते हैं जब विजन सेट होता है तब ऐसा। नेक्स्ट बोलते हैं विजन दस पॉइंट्स आउट एट व्हाट, बोलते हैं विजन पढ़ के हम मैनेजमेंट के दिमाग में डुबकी लगाते हैं कि मैनेजमेंट जो है कंपनी को कहां लेके जाना चाहता है। तो डुबकी लगाना मतलब डिप, याद आ रहे हैं। विजन दस पॉइंट्स आउट एट व्हाट, एट डिप अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना, कि हमें हमारे फ्यूचर पोजिशन पे पहुंचने के लिए किस डायरेक्शन में काम करना है। बोलते हैं मोल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी, इसके हिसाब से अपने आइडेंटिटी को हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हम मोल्ड करेंगे, शेप देंगे। एंड फाइनली चार्ट्स अ स्ट्रेटेजिक पाथ, हम रास्ता बनाएंगे हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे हमें पहुंचना है हमारे फ्यूचर पोजीशन तक। तो चार्ट्स अ स्ट्रेटेजिक पाथ एंड उसके हिसाब से हमारे ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिटी को मोल्ड करना है, शेप करना है, याद रहे। डिप डी आई पी, ये डने बाद मुझे बताइए, कमॉन, यस ओके आगे। फिर बात आती है एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन, आपको याद रहा है एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक विजन क्या है। सबसे पहला, यस ध्यान देंगे कि विजन बनाते वक्त हमें किन बातों पे फोकस करना है, किन बातों पे हमें ध्यान देना है। बोलते हैं क्या बताइए कि हमें विजन बनाते वक्त हमें क्रिएटिवली सोचना बड़ा जरूरी है ना, कुछ भी घिसा पिटा नहीं लिखना है। वी हैव टू थिंक क्रिएटिवली कि कैसे हमें ऑर्गेनाइजेशन को प्रिपेयर करना है फॉर द फ्यूचर। विजन बनाना ही अपने आप में एक बड़ा एक्सरसाइज होती है ना, इट इज एन एक्सरसाइज ऑफ क्या बताइए, इन इंटेलिजेंट एंटरप्रेन्योरशिप। इट इज क्या, अ वेल आर्टिकुलेटेड विजन क्रिएट्स क्या बताइए, इट क्रिएट्स एंथुजियाज्म, है ना। तो विजन को पढ़ के एक क्या, एक मोटिवेशन एंथुजियाज्म मिलना चाहिए हमारे कंपनी के पर्सनल को। एंड फाइनली इट क्लियरली इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज क्या बताइए, इज हेडेड। ये डने बात, Essentials of strategic vision, अलग से चार मार्क का सवाल आ सकता है। Yes, come on, आपको याद आ रही बातें, come on जल्दी। तो आपको क्या करना है, ये इसको लिखते जाना मेरे साथ साथ, ठीक है ना। तो हमारे जो एनरोल स्टूडेंट्स हैं उनको हमने PDF प्रोवाइड किया है, वो इसको प्रिंट करेंगे और उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। आगे बोलते हैं मिशन क्या करते हैं, बताओ मिशन। विजन की बात हो गई, अब बात करेंगे मिशन की। मिशन क्या बताता है, हु आर वी एंड वॉट वी डू, हम किस बिजनेस में है और हम क्या करते हैं, ये हमारा मिशन बताता है। तो मिशन बताता है वॉट बिजनेस आर वी इन एंड वॉट वी डू। बोलते हैं डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट, है ना। अब ये मैंने नया इसमें डाला, याद इसको लिख लेना वहाँ पे भी। बोलते हैं मिशन जो है ना हमारे कंपनी के ABC के बारे में बताता है, ABCD बोलते हैं ना, तो ABC के बारे में। बोलते हैं मिशन बताता है अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट एक्टिविटीज, बिजनेस मेकअप एंड कैपेबिलिटी एंड कस्टमर फोकस। हम प्रेजेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, हमने कैसे हमारे बिजनेस को डिजाइन किया है, हमारी क्या एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ है, है ना, हम किस बिजनेस में और हम क्या करते हैं ना, तो हमारे कैपेबिलिटीज़ की बातें इसमें आ जाती हैं। कस्टमर फोकस, हम हमारे प्रोडक्ट से कस्टमर के कौन से नीड को पूरा कर रहे हैं, याद आ रहे, अरे बताओ, ठीक है आगे। फिर अब बात आती है BMW वाला, मैंने इसमें आपको BMW का मिशन बताया था, एक्चुअल में उसका कोई काम नहीं था, पर मैंने क्यों बताया, मैंने बोला था कि जब भी मिशन की बात करें ना तो BMW का मिशन याद रखना, क्यों, क्योंकि सवाल आता है कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्यों होना चाहिए। बोलते हैं व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ मिशन, बोलते हैं इसका मेमोरी टेक्निक है टू पुट BMW इन फोकस। क्या बोला मैंने, टू पुट BMW इन फोकस, पहला क्या है, बोलते हैं कि मिशन होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर मिशन रहेगा तभी इट स्पेसिफाइज ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, राइट, एंड ट्रांसलेशन ऑफ दीज पर्पसेस इनटू गोल्स इन सच ए वे दैट कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कैन बी असेस्ड एंड कंट्रोल, है ना। बोलते हैं मिशन जब हम बनाते हैं ना तो क्या होता है, मिशन से स्पेसिफाई होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया, क्योंकि देखो बोलते हैं सर ये तो स्ट्रेटेजिक इंटेंट में पढ़ा था, तो ढोकले, एक्चुअली ये सारी चीजें इंटेंट में ही आती है। हमारा मिशन क्या है, इट इज अ, जो मिशन है ना वो क्या है, वो इंटेंट का ही तो पार्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो होता है ना बेटा, स्ट्रेटेजिक इंटेंट इसका ही पार्ट होता है विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव। तो कुछ बातें होंगी जो इसमें भी लिखी हो और बाकियों में भी लिखी हो, ठीक है ना, क्योंकि इसका ही पार्ट होता है ये सब। और ये सारी चीजें बनाते वक्त हमें हमारे वैल्यूज को नहीं भूलना है, जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, हम बात करेंगे इसकी। चलो आगे वापस पीछे आइए, यस। तो मैंने बोला कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्यों होना चाहिए, टू पुट BMW इन फोकस, पहला क्या है,
टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, अगला टू एंश्योर यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस, है ना, सब लोगों को सेम पेज पे लाना भी जरूरी, याद आ रहा है, वरना सब अपने अपने हिसाब से काम करेंगे तो होगा नहीं, है ना, हमारा ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो टू पुट PUT टू एस्टैब्लिश जनरल टोन एंड ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट क्रिएट करने में, एक जनरल टोन, एक मूड सेट करने में मिशन हेल्प करेगा कि किस तरीके से काम करना है हमको। ऐसा टू डेवलप अ, क्या बताइए, पुट BMW, तो पुट क्या बताइए, टू डेवलप अ बेसिस, बेसिस फॉर एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस। नेक्स्ट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग टू यूज, याद रहे, मोटिवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज। नेक्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स इंटू अ वर्क स्ट्रक्चर, याद रहे, इंटू अ वर्क स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग असाइनमेंट ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स। बोलते हैं हमने ऑब्जेक्टिव तो बना लिए, अब ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स अगर हमने बना लिए तो अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कौन से एलिमेंट को क्या करना है, है ना, वो हमारा मिशन बताएगा, ऐसा बोल रहे हैं। एंड फाइनली टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट, बोलते हैं जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई गड़बड़ हो तो हमको हमेशा क्या, हमारे मिशन को हमेशा याद रखना है, बार बार मिशन पर फोकस करना है कि देखो हम ये करते हैं, हमको ये काम पे ज्यादा फोकस करना है सब। बोलते हैं मिशन सर्व्स एज अ फोकल पॉइंट फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस एंड डायरेक्शन। तो मुझे बताइए कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्यों होना चाहिए, टू पुट BMW इन फोकस, पहला क्या है, टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशन पर्पस, unanimity of purpose, setting general tone, next developing a basis for allocating resources, providing a basis for motivating the use of resources, yes ye m ho gaya, fir w kya tha, translation of objective and goals into a work structure, and focus kya tha, it serves as a focal point। hello kya hum aage badh sakte hain, bataiye, come on fast, kya hum aage badh sakte hain, hello डन है बात, क्या डन है, क्या बात मुझे बताइए, क्या डन है बात, पक्का डन है ना, अरे सारे लोग बोलेंगे यार, कम ऑन, ओके। नेक्स्ट बात आती है, ये सवाल जो है ना इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ था RTM में भी, बोलते मिशन बनाते वक्त हमें किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखना चाहिए, है ना, व्हाट आर दी पॉइंट्स विच आर यूजफुल वाइल राइटिंग मिशन ऑफ द कंपनी, या एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट बनाने के लिए, समझ आ रहा है, टू मेक अ गुड मिशन स्टेटमेंट, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए, अच्छे मिशन स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए पूछ रहे हैं, ठीक है, चलिए। बोलते हैं अच्छा मिशन स्टेटमेंट कैसा होता है, बोलते हैं मिशन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए सच दैट इट गिव्स ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी। मान रहे कि मिशन को पढ़कर समझ में आना चाहिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, हमारे कंपनी में, हमारे फर्म में। बोलते हैं बिजनेस एम्फोसिस, किस प्रकार का बिजनेस है, एंड पाथ फॉर डेवलपमेंट, किस हमें डायरेक्शन में जाना है, जिससे हमें किस डायरेक्शन में हमारा ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, ऐसा अगेन। तो मिशन स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए सच दैट इट गिव्स द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी, बिजनेस एम्फोसिस एंड पाथ फॉर डेवलपमेंट, है ना, जिससे हम बाकी कंपनी से अलग दिख सके। नेक्स्ट बोलते हैं मिशन शुड स्पेसिफाई व्हाट, कम ऑन, मिशन को क्या स्पेसिफाई करना चाहिए, कि हम हमारे कस्टमर्स के कौन से नीड्स को पूरा कर रहे हैं, मतलब कि कस्टमर फोकस वाला पॉइंट होता है, याद रहे, मैंने आपको बोला था कि कस्टमर फोकस का ये मतलब होता है कि हम हमारे प्रोडक्ट से कस्टमर के कौन से नीड को पूरा कर रहे हैं, ऐसा, ठीक है ना। तो बोलते हैं मिशन शुड स्पेसिफाई व्हाट नीड्स ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग टू सेटिस्फाई, राइट, हम कौन से कस्टमर ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, हम कौन सी नीड पूरी कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट से, याद रहे, जैसे मैंने आपको BMW को बताया था, वो लग्जरी वाला पॉइंट था उसमें, कि हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हमारा बिजनेस बता रहे हैं कि हम प्रीमियम कार बनाते हैं, लग्जरी बनाते हैं, मतलब रिच लोगों के लिए ही बनाते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो हम कस्टमर ग्रुप्स को, कौन से कस्टमर ग्रुप को टारगेट करते हैं, मिशन से पता चलता है। टेक्नोलॉजीज एंड कॉम्पिटेंसीज जो हम यूज करते हैं, मिशन से पता चलता है। एंड फाइनली द एक्टिविटीज विच वी परफॉर्म,
बोलते हैं सारी चीज़ें हमें मिशन स्टेटमेंट से समझ में आनी चाहिए, तभी वो मिशन स्टेटमेंट का अच्छा मिशन स्टेटमेंट होगा ऐसा। बोलते हैं सर हमें ये सारे पॉइंट्स मिशन स्टेटमेंट में क्यों होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें मिशन स्टेटमेंट से क्यों पता चलनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना बाउंड्री डिसाइड करता है। दे इंडिकेट द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस किस चीज तक सीमित रहेंगे, ऐसा ये मिशन से पता चलता है। नेक्स्ट राइट, तो अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल भी प्रीमियम क्वालिटी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाता है, लेकिन वो कल जाके क्या 2000 का मोबाइल फोन कभी बनाएगा क्या? नहीं, तो क्योंकि उसके मिशन में ही वो नहीं है, आप समझे के बाद। तो उन्होंने अपना पहले क्या कर दिया, बाउंड्री डिसाइड कर ली कि हम किस चीज से रिलेटेड, हम किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो मिशन इसलिए सेट करना जरूरी है, मिशन स्टेटमेंट से पता चलना चाहिए आपके बाउंड्रीज के बारे में, ठीक है ना। ऐसा बोलते इट शुड बी व्हाट, अब ये जो दो चीज़ें ना आपके बुक में अलग से लिखी नहीं है मैंने, पर आपके आरटीपी में हमें मिला, इट शुड बी यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली कॉपी नहीं होना चाहिए आपके, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक होना चाहिए। एंड फाइनली मिशन शुड नॉट बी टू मेक प्रॉफिट, तो ये दो पॉइंट आपके बुक में नहीं है तो इसको लिख डालेंगे इसको, ठीक है ना। शायद ये वाला है यूनिक वाला, ये नहीं है, पर ये नॉट टू मेक प्रॉफिट वाला, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट अगली बात देखेंगे, नेक्स्ट देखें। फिर बोलते हैं कि सबसे पहले ना पीटर ड्रकर एंड थियोडोर लेविट, सबसे पहले पीटर ड्रकर एंड थियोडोर लेविट इन लोगों ने बताया था कि हमें ऑर्गेनाइजेशन जब भी हम चालू करते हो तो हमें मिशन सेट करना चाहिए। हमारा इनका ऐसा मानना था कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें ना तो हमको कुछ क्वेश्चंस को भी आंसर देना पड़ता है, कुछ क्वेश्चंस के बारे में सोचना है, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करनी है बिजनेस चालू करने के पहले। वो कौन से क्वेश्चन होते हैं? बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन चालू करना एक पबजी मिशन पे जाने जैसा होता है, याद रहे ऑर्गेनाइजेशन चालू करना एक पबजी मिशन, यस कम ऑन, ऑर्गेनाइजेशन चालू करना एक पबजी मिशन पे जाने जैसा होता है, याद रहे पबजी मिशन, यस। तो यहाँ पे देखें, बोलते हैं ध्यान देंगे, बोलते हैं एज पर पीटर ड्रकर एंड थियोडोर लेविट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड रेज एंड आंसर सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग इट्स बिजनेस, क्या है बताओ कौन से होते हैं पबजी मिशन? पहला देखेंगे व्हाट इज आर अल्टीमेट पर्पस ऑफ डूइंग द बिजनेस, पी डू वी अंडरस्टैंड आवर बिजनेस, क्या हमें खुद हमारे बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी है ना, क्या हाँ व्हाट डू वी वांट टू, क्या बताइए कम ऑन, व्हाट डू वी वांट टू बिकम, हम क्या बनना चाहते हैं, व्हाट बिजनेस आर वी इन, हम किस बिजनेस में हैं और हम फ्यूचर में किस बिजनेस में जाना चाहेंगे, इन व्हाट बिजनेस वुड वी लाइक टू बी इन द फ्यूचर, व्हाट क्या बताइए, व्हाट ब्रिंग्स अस, हम ये बिजनेस में क्यों आए, व्हाट ब्रिंग्स अस टू दिस बिजनेस, ये क्या है पब, अभी तक पी यू बी हुआ, देखो पी यू बी 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 बी, तो मैंने इसलिए लिखा है बी रेस्ट टू द पावर ऑफ 4 पबजी मिशन। आगे इसमें बेटा आपको 2 बी बी आ जाए तो भी चलता रहे, इतना कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देन क्या है बी हो गया खत्म, देन क्या है जी, बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ डू वी सीक, हमें ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की ग्रोथ चाहिए, है ना पब जी। देन क्या है एम एस एन मिशन, तो पहला पॉइंट है एक्चुअली मिशन, व्हाट इज आवर मिशन, देन एस हुम डू वी इंटेंड टू सर्व, देन एन व्हाट नीड्स, व्हाट ह्यूमन नीड्स डू वी इंटेंड टू सर्व थ्रू आवर ऑफर, एंड व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ बिजनेस इन द फ्यूचर। तो एन भी दो बार है, चेक करो, एन भी दो बार है पबजी मिशन। तो हम ऑर्गेनाइजेशन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस को रेज करना है, उसको आंसर करना है, क्या क्या है? बोलते ऑर्गेनाइजेशन को चालू करना एक पबजी मिशन पे जाने जैसा है, याद आ रहा है। पहला बोलते हैं टू व्हाट इज आर अल्टीमेट पर्पस, डू वी अंडरस्टैंड आवर बिजनेस करेक्टली, व्हाट डू वी वांट टू बिकम, व्हाट बिजनेस वी आर इन, है ना, व्हाट बिजनेस वी वुड बी इन द फ्यूचर, हम किस बिजनेस में जाना चाहेंगे फ्यूचर में, है ना, व्हाट ब्रिंग्स अस टू दिस बिजनेस, हम किस प्रकार की ग्रोथ चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा मिशन क्या है, हुम डू वी इंटेंड टू सर्व, व्हाट ह्यूमन नीड्स डू वी इंटेंड टू सर्व थ्रू आवर प्रोडक्ट्स, एंड वॉट नेचर ऑफ बिजनेस विल बी इन द फ्यूचर। तो क्या है पबजी मिशन। आगे बढ़े अगली बात देखें, नेक्स्ट बोलते हैं अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इस पे आपको ना एमसीक्यू आ सकते हैं, अभी मिशन से रिलेटेड और बाकी पॉइंट से देखेंगे। बोलते हैं इट इज, है ना, बोलते हैं मिशन क्या होता है, इट इज अ ग्रोथ, सुनेंगे, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रोथ एम्बिशन ऑफ द फर्म, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रोथ एम्बिशन ऑफ द फर्म,
इट इज अ कलरफुल स्केच ऑफ द ऑफ हाउ द फर्म वॉन्ट्स इट्स फ्यूचर टू लुक. इट इज क्या बताइए, इट इज अ जस्टिफिकेशन. बोले हमने ऑर्गेनाइजेशन क्यों चालू किया, बोले फर्म के एग्जिस्टेंस का जस्टिफिकेशन देता है हमारा क्या मिशन. इट क्या बताए, इट लेजिटिमाइजेस फर्म्स प्रेजेंस. आगे बोलते इट इज द ग्रैंड डिजाइन ऑफ द फर्म्स फ्यूचर. इट इज फर्म्स ड्रीम्स, फर्म्स ड्रीम विच इज क्रिस्टलाइज्ड, फर्म्स फ्यूचर विजुअलाइज्ड. ये सब क्या है, ये सब मिशन है. धनाधन धनाधन एमसीक्यू आ सकते हैं इस पर, ठीक है ना, इस पर धनाधन एमसीक्यू आ सकते हैं. कम ऑन, ये डन है बात, बताइए. बोलते हैं पीटर ट्रकर भाई साहब ने फिर बोला कि हम जब बिजनेस चालू करेंगे ना तो हमको पूछना है कि व्हाट बिजनेस आर वी इन. मतलब हमें बताना है लोगों को कि हम किस बिजनेस में हैं. तो जब हम ये लोगों को बताते हैं हमारे मिशन स्टेटमेंट के थ्रू, जब हम लोगों को बताते हैं कि हम किस बिजनेस में हैं, तो आपको वो जवाब देते वक्त मार्केटिंग ओरिएंटेड जवाब देना होता है. याद रहे हमें यहाँ पे मार्केटिंग या एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से, लोगों के पर्सपेक्टिव, कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से, है ना, हमें मार्केटिंग या एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से जवाब देना होता है इस सवाल का. हमें प्रोडक्शन या जेनरिक एक्टिविटीज के बारे में नहीं बताना है, बताना है मिशन में. जैसे हमने बोला कि लैक में जब बताएगा व्हाट बिजनेस वी आर वी इन, लैक में जब अपना मिशन बनाएगा या वो जब बताएगा कि हम किस बिजनेस में हैं, तो लैक में ने अगर ऐसा बोला कि हम कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, अब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाना ये क्या है, ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड जवाब है. लेकिन मार्केटिंग ओरिएंटेड जवाब क्या है, बोलते हैं कि हम रिटेल आउटलेट में, हम जो है दुकानों में क्या उम्मीद बेचते हैं, वी सेल होप. मतलब कि हमारे प्रोडक्ट्स यूज करके लोगों के अंदर उम्मीद जागती है कि हाँ हम अभी भी जवान हैं, हाँ हम अभी भी सुंदर हैं, हाँ हम हमारी क्या बताइए हम अभी भी सुंदर हैं, वी आर स्टिल रिलेवेंट. ऐसा बोलते हैं वी सेल होप इन द रिटेल आउट. आप समझ रहे बात, क्या खतरनाक चीज़ बोली. बोलते हैं जब हम मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो ऐसा प्रोडक्शन ओरिएंटेड जवाब नहीं देना, हम प्रोडक्शन ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट नहीं बनाना है, हमें मार्केटिंग ओरिएंटेड मिशन स्टेटमेंट बनाना चाहिए. ऐसा बोल रहे हैं पीटर ट्रकर भाई साहब. आगे फिर बात आती है, कमॉन, यस नेक्स्ट देखेंगे, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव चले आएंगे. यस कमॉन, बोलते गोल्स क्या होते हैं, गोल्स आर ओपन एंडेड, है ना, दे आर ओपन एंडेड जनरलाइज्ड एट्रीब्यूट्स, है ना, स्टेटमेंट्स जनरलाइज्ड हमारे एंड रिजल्ट्स होते हैं. दे डिनोट द फ्यूचर स्टेट और आउटकम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो हम अचीव करना चाहते हैं. थोड़े से जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है ना. तो प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, ये हमारा गोल हो सकता है. बोलते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले बनता है विजन, फिर बनता है इसके हिसाब से मिशन, और विजन और मिशन के हिसाब से बनते हैं गोल्स, जो कि जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे फ्यूचर आउटकम्स जो हम अचीव करना चाहते हैं. और इसको स्पेसिफिक टर्म्स में कैसे पूरा करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव बताएगा. और अब ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या चाहिए हमें, स्ट्रेटजी, ठीक है. तो गोल्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स, है ना, दे आर क्या बताएं, प्रिसाइज, है ना, कट टू कट, प्रिसाइज, क्लियर, एंड आर एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक टर्म्स. एक्सप्रेस्ड इन क्या बताएं, स्पेसिफिक टर्म्स. बोलते हैं दे ट्रांसलेट द गोल्स, बोलते हैं ऑब्जेक्टिव जो है ना वो गोल्स को, ऑब्जेक्टिव जो है वो गोल्स को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस टारगेट्स में कन्वर्ट करता है. ऑब्जेक्टिव जो है वो गोल्स को शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है. दे आर क्या बताइए, दे आर दी, यस कमॉन, दे आर दी परफॉर्मेंस टारगेट्स, दे आर दी, यस कमॉन, हमारे परफॉर्मेंस टारगेट्स जो हम पूरा करना चाहते हैं, है ना. बोलते हैं दे फंक्शन एज द यार्डस्टिक, यार्डस्टिक मतलब बेंचमार्क, जिनको पूरा करना है ना, जिनको अचीव करना है, बेंचमार्क फॉर ट्रैकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस. हमने बोला कि कस्टमर सर्विस को हमें एक्सीलेंट बनाना है, ये हो गया गोल. पर अब करेंगे कैसे, ये हम कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग, जैसे अगर हमारा ई कॉमर्स कंपनी है, हम कस्टमर क्या बताइए सर्विस को एक्सीलेंट बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए जो है हम कस्टमर का जो वेटिंग टाइम है उसे कम से कम करेंगे, या हमारे प्रोडक्ट जब वो ऑर्डर करता है तो डिलीवरी टाइम को कम से कम कर सकते हैं. तो इसको जब मैं स्पेसिफिक टर्म्स में लिख दूं कि
कि हमें एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है। कैसे करेंगे? बोलेंगे बाय रिड्यूसिंग डिलीवरी टाइम बाय 25% इन 3 मंथ्स। देखो स्पेसिफिक टाइम बाउंड मैंने बताया कि इस चीज़ को अब कैसे करना है, ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो दे आर यार्डस्टिक्स और बेंचमार्क फॉर ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। अगर 3 महीने में हम ये चीज़ नहीं कर पाए, मतलब हमने बराबर से काम नहीं किया है, हमें स्ट्रैटेजी को चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट बोलते हैं परसूट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज एन, क्या बताइए, इज एन अनएंडिंग प्रोसेस। ये याद रखेंगे, बोलते हैं मतलब हमको ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया तो खत्म, फिर नए ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, नए ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करो, मतलब ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते रहना पड़ता है। नए नए ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन में आते रहते हैं। सो क्या बताएं, परसूट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज एन अनएंडिंग प्रोसेस सच दैट ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन्स देमसेल्फ। दे प्रोवाइड मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंडेवर। एंडेवर मतलब एफर्ट, तो हमें किस डायरेक्शन में एफर्ट करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ये कैसे पता चलेगा, ऑब्जेक्टिव के। ये डन है। फिर बात आती है हमारे कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए। बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बोलते हैं हमें ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस स्मार्ट एंड चैलेंजिंग हो जाए। हमें ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बनाने चाहिए जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस स्मार्ट एंड चैलेंजिंग हो जाए। पहला क्या है, बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स शुड बी कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक। तो स्मार्ट में पहला आता है एस, तो वो क्या है, स्पेसिफिक वाला एस है ना। तो एस दो बार है, इट शुड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर, क्या बताएं, इट प्रोवाइड्स अ बेसिक्स फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू ऐसा। तो दो बार एस हो गए है ना, स्मार्ट, देखो एस दो बार है, स्मार्ट एंड चैलेंजिंग। एम से क्या है, इट शुड बी, क्या बताइए, इट शुड बी मेजरेबल एंड, हमारा ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल होने चाहिए, कंट्रोलेबल होने चाहिए, ताकि हम उसमें चेंजेस कर सकें एनवायरनमेंट के हिसाब से। इट शुड बी है ना, तो हमारा एस हो गया, एम हो गया अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। फिर क्या है ए, इट शुड बी, क्या बताए, फैसिलिटेट टूवर्ड्स, मतलब कि ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाओ सच दैट कि हमारा मिशन पूरा हो। इट शुड बी फैसिलिटेटेड टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑफ मिशन एंड पर्पस। ऑब्जेक्टिव शुड डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप, हमारे एनवायरमेंट के हिसाब से हम हमारा ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। इट शुड बी रिलेटेड टू, क्या बताइए, अच्छा ये देखो क्या क्या होगा, एस हो गया, एम हो गया, ए हो गया, आर हो गया, अब क्या आएगा, टी, टाइम बाउंड है ना। बोलते हैं कि ये एक, इट शुड बी रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में हमें उसको पूरा करना, ऐसा होना चाहिए। हमारे ऑब्जेक्टिव चैलेंजिंग होने चाहिए, याद रहे पिछले साल अगर मैंने 15% प्रॉफिट कमाया तो अब मैं बोलूंगा अगले साल ओके अब 16% कमाऊंगा, ये ऐसा मत करो यार, थोड़ा चैलेंजिंग तो भी होना चाहिए। बोले अगले साल 20 कमाऊंगा, 25% कमाऊंगा, तो सर चैलेंजिंग आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ठीक है ना, इट शुड प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर, क्या बताए, परफॉर्मेंस अप्रेजल। बोले हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, इसका यार्ड स्टिक, इसका बेंचमार्क होता है ऑब्जेक्टिव्स। हमने बोला कि सेल्स मैनेजर ने क्या बराबर ठीक से काम किया, उसके परफॉर्मेंस को अप्रेज, उसके परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। तो हमने क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, एक साल में सेल्स डबल होने चाहिए, तो क्या हुए क्या, अगर एक साल में सेल डबल हुआ है मतलब हमारे सेल्स मैनेजर ने ठीक तरीके से परफॉर्म किया, अगर ये नहीं हुआ मतलब कि सेल्स मैनेजर ने ठीक तरह से काम नहीं किया है। तो बोलते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स आर, क्या बताइए, दे प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, समझ में आ रहा है। बोलते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव शुड कोरिलेट विद ईच अदर है ना, ये फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमारे ट्रिक का पार्ट नहीं थे। बोलते हैं जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक दूसरे के हिसाब से बनने चाहिए, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स नहीं होने चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। एंड अगला क्या है, इट शुड बी सेट विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। चलिए अब क्या करते हैं ना, अपन 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है ना, आज हमारे इस एक सेशन में ही इस चैप्टर को हम एंड कर देंगे, ठीक है ना। और एंड में मैं फिर से एक बार यही पूरी चीजें फिर से एकदम फास्ट में आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आपको ये चैप्टर याद करवा के जाएंगे आज, ठीक है। और फिर क्या करना है, सेशन के बाद आपको इस चीज को वापस से रीड करना है, जितनी ज्यादा बार एक ही बात आप याद रखें। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट हो गया, ऑडिट, लॉ, ये जो थियरी सब्जेक्ट्स है, जितना ज्यादा आप सेम चीज को बार बार पढ़ेंगे, और आपके पास एक ना ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमें या तो देखो या तो मेमोरी टेक्निक बना लो या तो कुछ सीक्वेंस बनाओ माइंड में। हमारे जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक सीक्वेंस बताया, पहले विजन बनाओ, उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी,
उसको इम्प्लीमेंट करो, इवेल्युएट करो और फिर करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करो। तो या तो आपके माइंड में पॉइंट्स के बारे में कुछ ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए, या तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, मेमोरी टेक्निक कुछ होना चाहिए कि इसको याद कैसे करना है, क्योंकि आखिरकार आपको याद तो करना ही है। आप समझेगा क्या बोल रहा हूँ? चलिए डन है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आगे कंटिन्यू, ठीक है? चलिए चलिए बढ़े आगे, ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बात। चलिए सो नेक्स्ट देखेंगे, अगला है, क्या हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स की जरूरत है या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की भी जरूरत है? बोलते हैं कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दोनों की जरूरत होती है। बोलते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और उसको पूरा करने शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। बोलते हैं एज अ रूल कंपनी जो क्या करती है, कंपनी जब ऑब्जेक्टिव्स बनाती है तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों टारगेट सेट करती है।
बोलते हैं, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म टारगेट्स, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि हमें इमीडिएट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स कहाँ कहाँ करने हैं, हमें इमीडिएट कहाँ कहाँ चेंजेस करने हैं, किन सी चीज़ों पर फोकस करना है, ये पता चलता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव से। बोलते हैं टारगेट्स विच आर टू बी अचीव्ड विद इन 3 to 5 years, मतलब जो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना तो तुरंत उससे हमको पहले ये क्लिक होता है कि अच्छा अगर हमने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बना लिया है तो अब मुझे ये बताओ, अगर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बना दिया तो अब ये बताओ कि अभी क्या करूँ उसको पूरा करने के लिए, राइट? समझ मारे हेलो। तो बोलते हैं कि जब हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना, सो इट प्रॉम्प्ट्स, है ना, क्या लिखा है, कमन ध्यान देंगे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव प्रॉम्प्ट्स कंसिडरेशंस ऑफ व्हाट, ऑफ क्या बताइए, ऑफ व्हाट टू डू नाउ। तो बोलते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जब बना लेते हैं ना तो उसके हिसाब से शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव तुरंत बनाने पड़ते हैं। फिर ऐसा बोलता है कंपनी दैट हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डबलिंग इट्स सेल विद इन 5 years कांट वेट अंटिल द थर्ड और द फोर्थ ईयर टू बिगिन ग्रोइंग इट्स सेल एंड कस्टमर बेस। तो अगर मैं 5 साल में सेल डबल करना चाहता हूँ तो क्या तीसरे साल से चालू करूंगा क्या अभी कुछ चीजें करने के लिए? भैया 5 साल में सेल डबल करना तो अभी से क्या करूँ उसके लिए? इसके लिए तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ साथ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बनाना भी जरूरी है। बोलते बाय स्पेलिंग आउट शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस टारगेट्स मार्क मैनेजमेंट इंडिकेट्स व्हाट इट इंडिकेट्स द स्पीड। बोलते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि हम किस स्पीड से हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेंगे, ये डने बात बताओ। चलो आगे नेक्स्ट, फिर बात आती है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव वर्सेस शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। आपको पहला सवाल आता है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हम 7 एरियाज में बनाते हैं, याद रहे इसका ट्रिक 3P2ECT। हम जो है, यस कम ऑन, इसका मैंने मतलब क्लासेस बताया था अभी, याद करें कम ऑन। हम लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव 7 एरियाज में बनाते हैं, कौन सा बताइए? 3P, कम ऑन। पहला है प्रॉफिटेबिलिटी, देन प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, देन 2E एम्प्लॉई डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉई रिलेशंस, ठीक है ना। देन क्या है, 2E एंड CT। CT क्या होता है? कॉम्पिटिटिव पोजिशन एंड आखिरी T क्या होता है, कौन आखिरी T क्या है? टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। कमॉन, तो मैंने क्या पूछा आपको, कमॉन वापस से, कि हमें जो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं 7 key areas में, कौन से होते हैं? 3P2ECT, है ना। तो 3P2ECT क्या है बताओ? हमारा क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय डेवलपमेंट एम्प्लॉय रिलेशंस कॉम्पिटिटिव पोजिशन एंड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। इन सबका मतलब मैंने रेगुलर क्लासेस में आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। बाकी आप फिर हमारे वो मार्क्ड वाली PDF से इसमें बाकी भी चीज़ें लिख सकते हैं एक्स्ट्रा जो आपको लिखनी है, राइट। बाकी जो बच्चों ने एनरोल नहीं किया है वो अभी भी एनरोल कर सकते हैं हमारे क्लासेस में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है कि कैसे आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोलते हैं कि आपको ना इसी चीज़ के लिए, यही चीज़ के लिए एक और सवाल पूछ सकता है कि वॉट आर दी की एरियाज इन विच स्ट्रैटेजिक प्लानर शुड कॉन्सेंट्रेट हिज माइंड टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो स्ट्रैटेजिक प्लानर जो होता है ना, अगर उसको अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करना है तो उसको किन एरियाज पे फोकस करना जरूरी है, उसका भी आंसर यही होता है, याद रखें। ये RTP में इस तरह से पूछा था सवाल। तो 3P2ECT, डन है बात, मुझे बताइए, आगे बढ़े नेक्स्ट। बोलते हैं स्ट्रैटेजीज, कम ऑन ध्यान देंगे। बोलते हैं स्ट्रैटेजीज रिप्रेजेंट एक्शंस टू बी टेकन टू अकम्प्लिश द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, है ना। तो स्ट्रैटेजी हम लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं, तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कैसे करेंगे? स्ट्रैटेजीज के थ्रू। ऐसा द टाइम फ्रेम ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज इज कंसिस्टेंट, शुड बी कंसिस्टेंट, दैट इज 2 to 5 years। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से बनते हैं और दोनों का टाइम फ्रेम कंसिस्टेंट होना चाहिए 2 to 5 साल का, कि हम 2 to 5 साल में क्या अचीव करना चाहते हैं और कैसे करेंगे? स्ट्रैटेजीज के थ्रू, राइट। ये डन है के बाद मुझे बताओ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? बोलते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कैन बी आइडेंटिकल या आइडेंटिकल हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स कैन बी आइडेंटिकल टू लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हमारे टारगेटेड लॉन्ग टर्म लेवल के हिसाब से चल रहा होगा तो हमें शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म के जैसे ही बनाने चाहिए, लेकिन हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स डिफर भी कर सकते हैं।
हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म से अलग भी हो सकते हैं। कब? दो चीजों के, दो समय, दो टाइम पे। पहला, हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म से अलग कब होंगे? जब, पहला, जब हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस और एलिवेट करना और क्या इंप्रूव करना है, व्हेन मैनेजर्स आर ट्राइंग टू एलिवेट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। या दूसरा क्या है कि हम हमारे लॉन्ग रेंज टारगेट में एक साल में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को और ज्यादा चेंज करना पड़ेगा हमें, बोलते हैं। तो ये दो ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से डिफर कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि डैश सर्व्स एज स्टेप्स टुवर्ड्स अचीविंग डैश, मतलब बोलते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ये दे सर्व एज स्टेप्स टुवर्ड्स अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। समझ में आ रहा है? चलिए, डन है बात, ये भी आगे बढ़े। नेक्स्ट फिर बात आती है वैल्यूज क्या होते हैं। वैल्यूज में हमने आपको रतन टाटा का एग्जांपल दिया था, मैंने आपको बोला था कि वैल्यूज क्या है, बताओ, दे आर दी गाइडिंग प्रिंसिपल्स, है ना, ये आपके पर्सनल जो आप मानते हैं, जिन चीजों में आप मानते हैं, ठीक है ना, ये आपके लिए सैक्रोसेंट होता है। सैक्रोसेंट मतलब ये चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारे वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे, ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है लाइफ में, हमारे बिजनेस में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, तो हमारे वैल्यूज हमें हेल्प करते हैं कि हमें अब इस समय पे क्या करना चाहिए। जैसे हमने आपको मैगी का एग्जाम्पल दिया था, कैडबरी का एग्जाम्पल दिया था, कि जब इन दोनों कंपनीज पे क्या बताइए उंगली उठाई थी लोगों ने, कि मैगी बोला कि मैगी में लेड है, कैडबरी में से वर्म्स निकल रहे थे, तो क्या हुआ बताइए, ये कंपनीज के अगर वैल्यूज अच्छे नहीं होते तो ये क्या करती, बोलते हैं जान दो, जिसको जो करना करने दो भैया, हमको तो पैसा मिल रहा है, चलने दो, मतलब कि वैल्यूज में प्रॉब्लम है। आप समझ पा रहे बात में क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो सही चीज कब कर पाएंगे आप, जब आपके वैल्यू सही रहेंगे, है ना। सोचते हैं कि जब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटेंट, विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें किसके, ये सारी चीजें जब हम बनाते हैं, यस, तो ये बनाते वक्त हमें वैल्यूज को नहीं भूलना है ऐसा। तो वैल्यूज एक ज्यादा ब्रॉडर, एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वैल्यूज आर व्हाट, दे आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, कि हमें कब क्या करना चाहिए, हमारे वैल्यूज से हमें पता चलेगा, है ना। गाइडिंग प्रिंसिपल्स विच गाइड्स डिसीजन एंड एक्शंस। बोलते हैं कॉलिन्स एंड पोरस करके लोग थे, इन्होंने क्या बोला कि कोर वैल्यूज क्या होते हैं, ये इनहेरेंट होते हैं, सैक्रोसेंट होते हैं, याद रहे, सैक्रोसेंट मतलब कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे, हम उसको नहीं तोड़ेंगे कभी ऐसा, है ना। हमारे आप बोल सकते संस्कार, जैसे हमारे संस्कार होते हैं ना, वैसा ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के वैल्यूज हैं ऐसा। बोलते हैं वैल्यू सेट्स द टोन ऑफ हाउ पीपल विल थिंक एंड बिहेव, कैसे लोग सोचते हैं, कैसे लोग बिहेव करते हैं, उनके वैल्यूज पे वो डिपेंड करता है, स्पेशली इन अ सिचुएशन ऑफ डिलेमा, ऑफ कंफ्यूजन, कि जब हमें कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है या बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है, तो अब उसमें क्या करें, हमें इसमें वैल्यूज हेल्प करते हैं वहाँ पे सही डिसीजन लेने में। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ शेयर्ड पर्पस, बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फोकसेस ऑन लॉन्गेविटी, है ना। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन में क्या बताइए कौन, यस, ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक चलाने के लिए हमारे वैल्यूज बहुत अच्छे होने चाहिए, यही हमारा बेस क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन का। बोलते हैं हमारे कंपनी के जो मतलब जो लोग होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे कंपनीज के साथ ही काम करना चाहते हैं जिनके वैल्यूज उनके हिसाब से हों, जो रिलेट कर सके कि हाँ देखो हम भी मानते हैं कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी के साथ काम करना चाहिए, और कंपनी भी वैसे ही कर रही है, चलो अच्छी बात है, मुझे इस कंपनी के साथ काम करना है, भले ही कंपनी कम पैसा दे रही हो। आप समझो बात, ऐसा होता है बहुत बार, है ना। हमने इसमें एग्जाम्पल्स आपको दिए थे वैल्यूज में, याद करो, तो वैल्यूज में हमने आपको एग्जाम्पल दिए थे काफी रेगुलर क्लास में, क्या थे बताओ, क्या क्या था वैल्यूज में? यस, इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशन, डाइवर्सिटी, ये सब किसमें आता है? वैल्यूज में आता है, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि हम मैंने इसमें आपको देन COVID-19 का एग्जाम्पल दिया था, कि कोरोना के समय बहुत सी कंपनीज ने क्या किया बताओ, अपने वैल्यूज को दर्शाया कि देखो हम सच में वैल्यूज में मानते हैं, है ना। अगर बहुत सी कंपनीज अगर चाहती तो क्या सबको जॉब से निकाल सकती थी, तो कुछ कंपनीज ने ऐसा किया, निकाला लोगों को जॉब से क्योंकि काम नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ कंपनीज ने क्या किया, भले ही काम नहीं हो रहा था, भले ही सेल नहीं हो रहा था, फिर भी लोगों ने, कंपनीज ने फुल सैलरी दी अपने एम्प्लॉयज को, मतलब कि ये कंपनीज के वैल्यूज दिख रहे हैं कि देखो ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते नहीं हैं, उसको एक्शन में भी लाते हैं ऐसा, है ना। तो इसलिए वैल्यूज होना जरूरी है ना। आपको इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए, स्ट्रांग मॉरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए, किसके साथ गलत नहीं करना चाहिए,
ह्यूमिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, विनम्रता, है ना। ऐसा नहीं कि बस मैं ही सबसे ऊपर हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना। तो ह्यूमिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। ट्रस्ट, इनोवेशन, अकाउंटेबिलिटी, डाइवर्सिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है कि एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमसे कोई गलती हो तो उसको हमें क्या बता, उसको एक्सेप्ट करने की भी क्या हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए ऐसा। एंड फाइनली डाइवर्सिटी, हमें कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए लोगों में ऐसा। ये सब हमारे वैल्यूज में आता है, ठीक है ना। ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट बोलते हैं, जैसे एम्प्लॉयज भी ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहेंगे जिनके वैल्यूज उनसे रिलेट करें, वैसे ही कंज्यूमर्स भी ऐसे कंपनी के ही प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जिनका क्या बताइए, दैट हैव कंपनीज दैट हैव अ पर्पस दैट रिफ्लेक्ट देयर ओन वैल्यू या बिलीफ सिस्टम, ठीक है ना। हाँ तो बोलते हैं, हेंस वैल्यूज हैव बोथ, क्या बताइए, बोथ एक्सटर्नल या बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इम्प्लीकेशंस। मतलब कि वैल्यूज के वजह से, देखो वैल्यूज हमारे एम्प्लॉयज को भी अफेक्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को भी कर रहे हैं, तो वैल्यूज का इंटरनल इम्प्लीकेशन भी है, एक्सटर्नल इम्प्लीकेशन भी है। इसमें हमने आपको एचपी वे का भी दिया था एग्जाम्पल, ह्यूलेट पकार्ड के हमने वैल्यूज देखे थे, है ना। देन COVID-19 में कंपनीज का एग्जाम्पल देखा था। नेक्स्ट मुझे बताइए, कौन सा ज्यादा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इंटेंट के वैल्यूज। बोलते हैं इंटेंट क्या होता है, इट इज द पर्पस ऑफ डूइंग द बिजनेस, वाई, ये वाई के बारे में बताता है इंटेंट। लेकिन वैल्यूज क्या होते हैं, वैल्यूज आर द प्रिंसिपल्स, जो हम प्रिंसिपल रूल्स फॉलो करते हैं डिसीजन लेते वक्त। बोलते हैं दे बोथ गो हैंड इन हैंड, बट इंटेंट इज ड्रिवेन बाय वैल्यूज। तो हमारे वैल्यूज से ही ड्रिवेन होता है, वैल्यूज के वजह से हमारा इंटेंट आता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो बोलते हैं दैट इज माई इंटेंट, या दैट इज माई वैल्यूज आर, क्या बताए, मोर और सो इज वाइडर देन इंटेंट। तो हमारे वैल्यूज जो है वो इंटेंट से ज्यादा वाइड होते हैं। ये डने बाद मुझे बताइए, कम ऑन, फिर क्या बात आती है, फिर बात आती है हमारे स्ट्रेटेजिक लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की। यस कम ऑन। तो बोलते हैं हमारा, और जनरली एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, एक होता है कॉर्पोरेट लेवल, देन बिजनेस लेवल, देन फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल मतलब जो हेड ऑफिस होता है, जहाँ पे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, है ना, हमारे CEO, CFO, CTO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट स्टाफ, ये सब किस में आते हैं, कॉर्पोरेट लेवल में। फिर आता है डिविजनल लेवल या बिजनेस लेवल, है ना। तो जैसे अगर मैंने बोला कि रिलायंस, तो रिलायंस के जो टॉप या हेड ऑफिस के जो लोग रहेंगे वो सब कौन होंगे, आपके कॉर्पोरेट लेवल के लोग। अब रिलायंस के अंदर तो बहुत अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस ये करता है, तो अपने हर एक अलग बिजनेस का एक डिवीजन बना सकता है, जैसे जियो का डिवीजन अलग, पेट्रोलियम का डिवीजन अलग, समझ रहे हैं। इनका ज्वेलरी का भी काम है, इनका रिटेल स्टोर्स भी है, सुपर मार्केट्स वगैरह भी है, तो इन सबका अलग 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 डिवीजन बनाएगा, और हर एक डिवीजन का एक डिविजनल मैनेजर होगा, उसके स्टाफ होंगे। तो ये आता है आपके बिजनेस लेवल पे। और फिर हर एक डिवीजन के अंदर, अभी जैसे जियो के अंदर एक फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा, एचआर डिपार्टमेंट अलग होगा, है ना, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट अलग होगा, वैसे ही पेट्रोलियम डिवीजन के अंदर वापस से सेल्स डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन अलग, फाइनेंस अलग, एचआर अलग, वैसे ही ये हमारे क्या बताइए, जैसे और क्या बोला था मैंने, रिलायंस का हमारा पेट्रोलियम हो गया, इसका टेलीकॉम मतलब जियो हो गया, देन इसके डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो है रिलायंस स्मार्ट वगैरह, तो उसका वापस से अलग अलग बिजनेस फंक्शंस इसके अंतर्गत आ सकते हैं। ये होते हैं हमारे फंक्शनल लेवल। तो बोलते हैं कि जियो का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो हो जाएगा फंक्शनल लेवल मैनेजर। वो जो व्यक्ति है वो सिर्फ क्या करेगा, जियो का ही फाइनेंस के बारे में देखेगा कि जियो कंपनी के लिए जो है हमारे, या जियो ब्रांड के लिए हमको कितना पैसा लगाना है, मारे वो पैसा कहाँ से हम लेके आए, जियो ब्रांड के अंतर्गत कौन कौन लोग काम करेंगे, तो उसके लिए एचआर डिपार्टमेंट होगा अलग से, उसका जो मैनेजर होगा एचआर मैनेजर हो जाएगा फंक्शनल लेवल के लोग। तो कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल बोलते हैं। देन बात आती है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स क्या होता है, आपको सवाल आ सकता है। बोलते हैं इफ अ कंपनी प्रोवाइड सेवरल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, इट ऑफन डुप्लीकेट्स द फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, एचआर, फाइनेंस एटसेट्रा, एंड क्रिएट्स अ सीरीज ऑफ, क्या बताइए, सेल्फ कंटेन, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूं अभी, सेल्फ कंटेन्ड डिविजन्स, ईच ऑफ विच कंटेन्स इट्स ओन सेट ऑफ फंक्शन, सेल्फ कंटेन्ड डिविजन्स। ये होता है हमारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया रिलायंस में, अभी रिलायंस में क्या हमने बोला कि जियो, जियो अपने आप में एक सेल्फ कंटेन्ड डिविजन है। जियो के अंतर्गत उसका खुद का अलग से एचआर मैनेजर, उसका अलग, खुद का अलग से फाइनेंस मैनेजर, समझ में आ रहा है, हाँ, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर एटसेट्रा, इसके अलग से होंगे। वैसे ही पेट्रोलियम जो होगा,
रिलायंस पेट्रोलियम उसका अलग से सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, समझ मारा है, आपका एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसा ठीक है। बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होते हैं, हमारे जो बड़ा बिजनेस जो है, हमारा जो टोटल बिजनेस है उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स अगर हम बेचते हैं तो हम हर एक प्रोडक्ट का एक अलग डिवीजन बना सकते हैं और वो डिवीजन, हर एक डिवीजन को उनका सेपरेट सारे फंक्शंस के लिए लोग अपॉइंट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं जो हमने जैसे रिलायंस ने जियो अलग, जियो का अलग डिवीजन बना दिया, रिलायंस ने पेट्रोलियम का अलग डिवीजन बना दिया, रिलायंस ने अलग से क्या बताइए सुपर मार्केट का डिवीजन बना दिया, ये हो जाएंगे सारे रिलायंस के स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स। सो द जनरल मैनेजर ऑफ दिस डिवीजन देन बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग हाउ टू क्रिएट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड अचीव हाई प्रॉफिटेबिलिटी। तो जो जियो का जो मैनेजर होगा बेटा, है ना, जियो का जो बिजनेस लेवल मैनेजर या डिविजनल मैनेजर होगा, वो सिर्फ ये देखेगा कि मुझे जियो को कैसे बड़ा बनाना है। रिलायंस पेट्रोलियम का जो डिविजनल लेवल मैनेजर होगा वो बोलेगा कि भैया मुझे रिलायंस पेट्रोलियम को कैसे आगे बढ़ाना है, वो उसके बारे में सोचेगा, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाएगा। ऐसा बोलते हैं सच डिविजन्स आर कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। तो आपको पूछ सकता है कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स क्या होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ये नैने मुझे बताइए, कम ऑन, यस, क्या डन 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 डन, आगे बढ़े, ठीक है आगे नेक्स्ट। फिर बात आती है कॉर्पोरेट लेवल, तो अभी ना हम सारे एक एक करके देखें, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, बिजनेस लेवल मैनेजर्स और फिर आपका फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, ठीक है। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स में कौन आता है, आपका सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कॉर्पोरेट स्टाफ। बोलते हैं दे पार्टिसिपेट इन व्हाट, दे पार्टिसिपेट इन द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कौन लेते हैं आपके, लॉन्ग टर्म डिसीजंस कौन लेते हैं आपके, कॉर्पोरेट लेवल के लोग। एंड दे क्या बताइए, दे ओवरसी, निगरानी रखते हैं कि हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है ना, अब वो डेवलप भी हो रही, मतलब बराबर से लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे कि नहीं बाद में, ऐसा निगरानी रखने का सिर्फ काम है ऐसा। बोलते हैं देयर रोल इंक्लूड्स, याद रखेंगे आपको क्वेश्चन आएगा कि कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का क्या रोल होते हैं, तो इसमें मैंने आपको बताया था फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एमबीए लीडरशिप, याद है ना इसका ट्रिक। बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, ये फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटजीज, फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज दैट स्पैन इंडिविजुअल बिजनेसेस। स्पैन इंडिविजुअल बिजनेसेस मतलब कि रिलायंस में जो टॉप मैनेजमेंट के जो लोग रहेंगे वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे, तो सिर्फ जियो के लिए बनाएंगे क्या, सिर्फ रिलायंस पेट्रोलियम के लिए नहीं। बोलते हैं ये जब स्ट्रैटेजी बनाते ना तो स्ट्रैटेजी इसके लिए भी एप्लीकेबल है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी ऐसा। तो ये जो स्ट्रैटेजी बनाते ना ओवरऑल बनाते हैं और ये स्ट्रैटेजी इनकी हर उसमें अप्लाई होती है, ऐसा सारे बिजनेसेस के लिए लागू होती है ऐसा। तो दे स्पैन इंडिविजुअल बिजनेसेस, राइट, डिफाइनिंग, डिफाइनिंग क्या बताइए, मिशन एंड गोल्स ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, किसका काम है, टॉप मैनेजमेंट का, आपका कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का। डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस, हमें किस बिजनेस में रहना है, जैसे हमने, जैसे रिलायंस ने अभी टेलीकॉम में पैसा लगाया, वैसे क्या हमें अब एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ पैसा लगाना है क्या, क्या हमें एजुकेशन के लिए भी कोई एडटेक कंपनी बनानी है तो उसमें पैसा लगाना है कि नहीं, कौन डिसाइड करेगा, CLM कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स। तो डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन, तो मैंने क्या किया बताओ, फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग MBA, ए क्या होगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, एलोकेटिंग, यार हम ये हो सकता है एलोकेटिंग, हाँ एलोकेशन, एलोकेटिंग रिसोर्सेस अमंग द डिफरेंट बिजनेसेस, एंड फाइनली MBA लीडरशिप, प्रोवाइडिंग लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ये सवाल आया हुआ है, ठीक है ना, कि हमारे टॉप मैनेजमेंट का क्या काम है, यस कम ऑन, फॉर्मुलेटिंग इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज, नेक्स्ट डिफाइनिंग मिशन एंड गोल्स, नेक्स्ट डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस टू बी इन, नेक्स्ट एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू द डिफरेंट बिजनेस। एलोकेटिंग रिसोर्सेज मतलब कि टेलीकॉम सेक्टर में जैसे जियो चालू किया तो जियो में कितना पैसा लगाना, ये कौन डिसाइड करेगा, कॉर्पोरेट लेवल के लोग डिसाइड करेंगे ऐसा। कौन से बिजनेस में जाना है, किसमें नहीं जाना है, किसको साथ मर्ज करना है, किसको अक्वायर करना है, कॉर्पोरेट लेवल के लोग बताएंगे। एलोकेटिंग रिसोर्सेज अमंग द डिफरेंट बिजनेसेस, प्रोवाइडिंग लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। नेक्स्ट बोलते हैं CLM क्या करते हैं, ये दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन पीपल हु ओवरसी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट एंड दोज हु ओन इट। तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स जो है ना, ये क्या है बताओ, ये लिंक करते हैं, किन किन किसके बीच का लिंक है, ये लिंक है बेटा हमारे
ये लिंक है हमारे किसके बीच का बताओ ना, हमारे ऐसे लोग मतलब जो हमारे मैनेजर्स जो ओवरसी कर रहे हैं स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट का, एंड हमारे स्टेक होल्डर हमारे शेयर होल्डर्स के बीच का, ठीक है। इनका काम बोलते हैं दे आर दी गार्डियंस, याद रखेंगे दे आर दी गार्डियंस ऑफ शेयर होल्डर्स वेलफेयर, याद रखें मतलब कि ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या बताएं, फॉर शेयर होल्डर्स वेलफेयर, कि भैया हमको ऐसे सारे काम करने जिससे शेयर होल्डर्स की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। ये कौन इंश्योर करेगा? CLM। बोलते हैं कि इसलिए इनको ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है सच दैट विच इज कंसिस्टेंट विद द मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, भैया ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ जिससे शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो, और अगर नहीं होगा ऐसा तो धनाधन फटके किसको लगाएंगे? इनको ही लगाएंगे, CLM वालों को। नेक्स्ट बात आती है आपका बिजनेस लेवल मैनेजर्स कौन होते हैं, जैसे ये लोग स्ट्रैटेजीज डेवलप करते हैं इन देयर पर्टिकुलर बिजनेस, है ना, ये अपने पर्टिकुलर अपने इंडिविजुअल बिजनेस के लिए, जैसे रिलायंस में जियो का जो होगा बिजनेस लेवल मैनेजर वो जियो से रिलेटेड सारे स्ट्रैटेजी बनाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी फॉर द कंपीटिंग इन इंडिविजुअल बिजनेस एरियाज, तो जैसे हमने पातंजलि का भी एग्जांपल लिया था कि पातंजलि जो है वो FMCG में भी है, वो हेल्थ केयर में भी है, वो ऑर्गेनिक फूड्स में भी है ना। तो बोलते हैं कि FMCG का जो पातंजलि का FMCG का जो मैनेजर रहेगा वो क्या करेगा, वो FMCG के लिए जो इंडिविजुअल अपने बिजनेस के जो स्ट्रेटजी कौन बनाएगा, BLM बनाएंगे, ठीक है ना। तो CLM क्या करेंगे, ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाएंगे, BLM क्या करेंगे, उनके पर्टिकुलर बिजनेस के स्ट्रेटजी बनाएंगे। ऐसे बोलते हैं द प्रिंसिपल जनरल मैनेजर एट बिजनेस लेवल और द BLM इज द हेड ऑफ द डिवीजन, तो जो बिजनेस लेवल मैनेजर होता है वो उस डिवीजन के हेड होता है, उस SBO के हेड होता है। BLM स्ट्रेटजिक रोल इज टू ट्रांसलेट द जनरल स्टेटमेंट्स एंड ऑफ द डायरेक्शन एंड इंटेंट दैट कम फ्रॉम कॉर्पोरेट लेवल इनटू क्या बताइए, इनटू कॉन्क्रीट स्ट्रेटजीज। तो जो हमारे कॉर्पोरेट लोगों ने बोला, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स ने बोला, उनको कॉन्क्रीट स्ट्रेटजीज में कन्वर्ट करना, उनको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज सॉरी कॉन्क्रीट स्ट्रेटजीज में कन्वर्ट करना इसके, और ये स्ट्रेटजीज किसके लिए बनाएंगे, उनके इंडिविजुअल उनके पर्टिकुलर बिजनेस लिए, है ना, ठीक है। फिर बोलते हैं कि क्या डिफरेंस है, कम ऑन क्या डिफरेंस है CLM BLM में। बोलते हैं CLM कौन होता है, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट, दे प्रोवाइड क्या बताए, दे प्रोवाइड ओवरऑल, है ना, या ये ओवरऑल व्यू देते हैं या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल व्यू, समझ में आ रहा है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल व्यू ऑफ स्ट्रेटजी, मतलब ये ओवरऑल स्ट्रेटजी बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए व्हाट दे वांट टू अचीव। बट BLM क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि क्या उनका जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो जिस पर्टिकुलर बिजनेस के मैनेजर हैं क्या वो कॉर्पोरेट लेवल के ने जो बोला उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें अचीव कर पा रहे कि नहीं। CLM क्या करेगा, ये स्ट्रेटजी बनाएगा विच स्पैन इंडिविजुअल बिजनेसेस, CLM स्ट्रेटजी बनाएगा सारे बिजनेस के लिए एक साथ ओवरऑल, लेकिन BLM क्या करेगा, वो स्ट्रेटजी बनाएगा विच इज क्या बताए, विच इज स्पेसिफिक टू देयर पर्टिकुलर बिजनेस। बोलते हैं FLM क्या होता है, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स, ये कौन होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस। बोलते हैं जैसे हमारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में HR, परचेसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सेट्रा, ऐसे अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस, सेल्स, ये सब अलग अलग फंक्शन हो सकते हैं। तो इसके लिए जो है क्या बताइए, स्ट्रेटेजी बनाना किसका काम है, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स का। बोलते हैं देयर स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये क्या करते हैं, ये किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है, बोलते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, भैया जियो के अंदर फाइनेंस से रिलेटेड जो भी काम होगा उसके लिए फाइनेंस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जो हमारे जनरल मैनेजर होते हैं, जो हमारे BLM होते हैं, बिजनेस लेवल मैनेजर्स, दे ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ द होल कंपनी और द होल डिवीजन। तो बिजनेस लेवल मैनेजर जो है ना, उसको HR पे भी निगरानी रखनी है, परचेसिंग डिपार्टमेंट पे भी रखनी है, सेल्स डिपार्टमेंट पे भी रखनी है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे भी रखनी है। लेकिन जो हमारा फंक्शनल लेवल मैनेजर होगा वो बोलेंगे भैया मेरा तो क्या है, मैं तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड हूँ, तो मैं तो उसी के बारे में देखूंगा सर, मैं बाकियों का नहीं देखूंगा। बोलते हैं FLM डेवलप फंक्शनल स्ट्रेटजीज इन देयर एरिया एंड फुलफिल स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव सेट बाय CLM एंड BLM। बोलते हैं ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कौन, FLM वाले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसको, BLM CLM वालों को, ताकि वो रियलिस्टिक स्ट्रेटजीज बना सके। ऐसा क्यों कर पाते हैं,
एफएलएम वाले लोग, क्योंकि दे आर क्लोजर टू द कस्टमर, है ना, जो हमारे फंक्शनल लेवल मैनेजर्स होते हैं दे आर क्लोजर टू द कस्टमर्स, तो इसलिए ज्यादा अच्छा आइडिया दे सकते हैं. FLM themselves may generate important ideas that may become major strategies of the company in the future. तो बोलते हैं कि इनका एक मेजर काम क्या है, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन. तो स्ट्रेटजी बनाने का तो काम हो गया, CLM BLM ने बना दिया, पर अब इसको इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, फंक्शनल लेवल मैनेजर्स का. ठीक है, आखिरी पेज देखेंगे, लास्ट पेज है ये, खत्म हो गया. ठीक है ना, चलो लास्ट पेज जल्दी देखें, लास्ट देखें. नेक्स्ट बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच की बॉटम अप अप्रोच, कम ऑन फास्ट जल्दी देखेंगे, टॉप डाउन या बॉटम अप. बोलते हैं कि व्हाट इज टॉप डाउन, बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच बोलता है कि दिस इज एन अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग. ये ऐसा एक अप्रोच होता है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन में सारे मेजर डिसीजंस आर मेड बाय होम, सारे मेजर डिसीजंस आर मेड बाय क्या बताइए, मेड सोलली सिर्फ और सिर्फ जो टॉप लीडर्स होते हैं, जो CLM कॉर्पोरेट लेवल के लोग होते हैं, वही सारे डिसीजन लेते हैं. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा है तो इसे बोलते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में टॉप डाउन अप्रोच है डिसीजन मेकिंग का. लेकिन अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बॉटम्स अप अप्रोच फॉलो होता है डिसीजन मेकिंग का, मतलब क्या है, मतलब कि यार ऑल टीम्स अक्रॉस लेवल्स आर गिवन अ वॉइस इन द डिसीजन मेकिंग. तो कोई भी डिसीजन लेना है, अगर सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही सारे डिसीजन ले रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो बोलेंगे कि यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच फॉलो होता है. अगर कोई भी बिजनेस में डिसीजन लेना है, इसके लिए सबको हम इन्वॉल्व करके डिसीजन लेते हैं, तो ये क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच. इसके लिए और एक चीज मैंने बोली थी, टॉप डाउन अप्रोच को हम सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग भी बोल सकते हैं, याद आ रहा है, एंड बॉटम अप को हम डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं. और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में देखेंगे. बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल क्या होता है, ये डिसाइड करता है व्हाट बिजनेस वांट्स टू अचीव. बिजनेस लेवल क्या करता है, इट ड्रॉज आइडियाज एंड प्लान्स टू एग्जीक्यूट द सेम. तो कॉर्पोरेट लेवल बताएगा कि क्या अचीव करना है, इसके लिए आइडिया और प्लान बनाएगा बिजनेस लेवल वाले लोग, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कौन करेंगे, इनके आइडिया प्लान को एग्जीक्यूट कौन करेगा, फंक्शनल लेवल वाले लोग. और एग्जीक्यूट करके क्या करेंगे, हम अचीव करेंगे जो ये लोग चाहते थे एंड अचीव रिजल्ट्स. तो कॉर्पोरेट लेवल वाले बताएंगे कि क्या अचीव करना है, बिजनेस लेवल वाले बताएंगे अच्छा ये अचीव करने का ओके, इसके लिए प्लान्स और आइडिया बनाओ, और ये प्लान्स और आइडियाज को एग्जीक्यूट कौन करेगा, फंक्शनल लेवल वाले लोग. ठीक है, फिर लास्ट बात आती है थ्री मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल्स एंड ऑल्सो अमंग द सेम लेवल्स ऑफ द बिजनेस. मतलब थ्री मेजर टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, आपको पूछ सकते हैं कि कौन से तीन प्रकार के नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट, या इसी चीज को हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि आपके कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है. वैसे तो बहुत अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, पर हमें हमारे कोर्स में ये तीन मेजर प्रकार दिए हैं. हाँ, इनके अलावा भी और प्रकार हो सकते हैं, पर ये तीन मेजर ज़्यादा कॉमनली यूज्ड प्रकार हैं, इसलिए हम ये पढ़ते हैं. बोलते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो ये मैनेजमेंट के जो लोग थे, है ना, इसको इसके मैंने आपको एक चीज़ लिखाई थी, चेन ऑफ कमांड, याद रहा है मैंने आपको इसके लिए ना चेन ऑफ कमांड करके चीज़ बताई थी, कि हमें ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चेन ऑफ कमांड या हायरार्की को डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द फॉर्मल लाइन ऑफ डिफाइनिंग. बोलते हैं कि चेन ऑफ कमांड इज द फॉर्मल लाइन ऑफ डिफाइनिंग अथॉरिटी, कि कौन किसके ऊपर आता है, कौन से व्यक्ति को किसको रिपोर्ट करना है, है ना, कौन से व्यक्ति किसको कम्युनिकेट कर, आपको किससे बात करनी है, किसको रिपोर्ट करना है. फॉर्मल लाइन ऑफ डिफाइनिंग अथॉरिटी कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन पोजिशन विद इन अ कंपनी, है ना, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एंड हुम इज टू बी रिपोर्टेड, ये पता चलेगा चेन ऑफ कमांड से. और ये चेन ऑफ कमांड डिपेंड करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे, ठीक है ना. तो द रिलेशनशिप बिटवीन द सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो अभी हम पढ़ रहे हैं तीन प्रकार के. पहला इन्होंने क्या बोला, फंक्शनल या डिविजनल रिलेशनशिप, इसमें क्या आता है, बोलते हैं इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप वेयर ईच फंक्शन और अ डिविजन इज रन बाय, क्या बताइए, इज रन इंडिपेंडेंटली.
हेडेड बाय द फंक्शन या डिविजनल हेड हु इज अ BLM रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द बिजनेस हेड हु इज अ CLM। क्या बोल रहे हैं अभी तक जो हम आपको नॉर्मली बता रहे थे ना वो ये फंक्शनल या डिविजनल रिलेशनशिप ही था कि हमारा टॉप एक कॉर्पोरेट लेवल होगा उसके अंतर्गत जो अलग अलग हमारे बिजनेसेस है और हर एक बिजनेस के लिए हम क्या बनाएंगे एक सेपरेट डिविजन्स बनाएंगे और हर डिविजन के अंदर अलग अलग फंक्शंस रहेंगे। तो जैसे डिविजन पहले डिविजन का भी जैसे मैंने बोला यहाँ पे देखो मैंने एग्जांपल दिया जैसे टॉय मैन्युफैक्चरर तो हम बच्चों के लिए टॉय बनाते हैं एकदम छोटे बच्चों के लिए टॉय बना रहे हैं या टीनेजर के लिए टॉय बना रहे हैं तो हम ऐसे दो डिविजन बना सकते हैं। हमारा कंपनी है खिलौने बनाने का टॉयज बनाने का तो इसका जो टॉप लेवल के लोग हैं CLM इसके अंदर अब आएंगे ये दो डिविजन्स या दो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स एक होगा किड्स टॉयज एक होगा टीनेजर टॉयज। ठीक है अब किड्स टॉयज का अलग सेल्स डिपार्टमेंट अलग HR डिपार्टमेंट अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टीनेजर टॉयज का अलग सेल्स डिपार्टमेंट अलग HR अलग मार्केटिंग समझ में आ रहा है ऐसा तो बोलते हैं इसे ही बोलते हैं फंक्शनल या डिविजनल रिलेशनशिप जो हम नॉर्मल अभी तक पढ़ रहे थे। ठीक है ना तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक जो हमारा डिविजन है ना इट इज इंडिपेंडेंटली हेडेड बाय अ पर्सन। तो जैसे किड्स टॉयज के लिए एक अलग मैनेजर होगा टीनेजर टॉयज के लिए अलग मैनेजर होगा फिर अब किड्स टॉयज के अंदर जो अलग अलग फंक्शंस है ना वो हर एक फंक्शन का भी एक अलग मैनेजर होगा। किड्स टॉयज के अंदर जो सेल्स का डिपार्टमेंट होगा उसका सेल्स मैनेजर अलग टीनेजर टॉयज का जो सेल्स डिपार्टमेंट होगा उसका सेल्स मैनेजर अलग। तो हर एक व्यक्ति को इंडिपेंडेंटली बस अपने ही उसका उस पर ध्यान देना ऐसा। ठीक है ना आगे बढ़ो फिर आते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। ये क्या होता है ये जनरली स्टार्टअप्स में देखने को ज्यादा मिलता है। वैसे दुनिया में ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी है जो इसको फॉलो करती है वैसे तो पर हमारे बुक में स्टार्टअप्स लिखा तो स्टार्टअप्स ही लिखेंगे। ठीक है ना तो स्टार्टअप्स में ज्यादातर ये यूज किया जाता है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप क्योंकि यहाँ पे फिलहाल एकदम से पहले से अगर हमने हायरार्की वगैरह बता दी सबको कि तुम मेरे से बात नहीं करना मैं मेरे नीचे जो है ना पहले उससे बात करो वो बोलेगा फिर मेरे पास आना मतलब ये क्या हो जाएगा इससे ना बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि अभी भी नया नया चालू हुआ है काम। ठीक है ना तो बोलते हैं इसलिए हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप क्या होता है यहाँ पे ऑल पोजीशन फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू स्टाफ लेवल एम्प्लॉयज आर इन क्या बताइए आर इन द सेम हायरार्किकल तो सब लोग यहाँ पे इक्वल पोजीशन पे। अच्छा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना एक व्यक्ति को मतलब एक व्यक्ति का जो उसका काम कर उसका जो जॉब पोजीशन है वो कभी भी कम ज्यादा भी कर सकते हैं है ना उसको कोई भी प्रकार का काम एलोकेट भी कर सकते हैं क्योंकि सब लोग यहाँ पे सेम हायरार्किकल पोजीशन में ऐसा नहीं कि कोई किससे ऊपर है ऐसा ऑब्वियसली कंपनी का CEO वगैरह रहेगा ही लेकिन ऐसा नहीं रहेगा कि जैसे आप CEO से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते समझ मारा है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा था हमारे फंक्शनल या डिविजनल रिलेशनशिप में क्या हो रहा था ना कि समझो अगर डिविजन ए का सेल्स मैनेजर को अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो ये जो सेल्स मैनेजर है ये डायरेक्ट हेड ऑफिस में नहीं जा सकता बोले इसको पहले इस डिवीजन के मैनेजर से बात करनी है फिर ये इसको बताएगा ये डायरेक्ट इसके पास नहीं जा सकता आप समझ रहे हैं ये प्रॉब्लम था। पर यहां पे क्या होगा हॉरिजॉन्टल या इसको मैंने बोला था इसको एक और चीज बोलते हैं फ्लैट आर्की याद रहे जैसे हायर आर्की वैसे उसे बोलते हैं फ्लैट आर्की भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको फ्लैट आर्की। तो यहाँ पे क्या रहेगा एक देखो टॉप मैनेजमेंट तो रहेगा ही राइट लेकिन क्या रहेंगे बाकी सब लोग जो है ना वो सब क्या है वो सेम लेवल पे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट फिर डिविजनल और फिर फंक्शनल तो ये लोग इससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते पहले इसको इससे बात करनी पड़ेगी फिर ये इससे करेगा ऐसा। यहाँ पे क्या है यहाँ पे सब लोग सेम लेवल पे हैं डायरेक्ट इससे बात करनी कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं ये झेपा गया तुमको बोलते फ्लैट स्ट्रक्चर वेर एवरी वन इज कंसिडर्ड एट द यस कम ऑन एट द सेम लेवल दिस लीड्स टू क्या बताए इससे ओपननेस है ना लोग और खुल के बात कर सकते हैं एक दूसरे से है ना बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम हमारे बॉस से उतना अच्छे से बात नहीं कर पाते आइडिया शेयर नहीं कर पाते पर अगर सब सेम हायरार्किकल पोजिशन में बाकी वाले भी हमारे जैसे ही हैं तो फिर क्या बात ज़्यादा खुल के कर पाएंगे तो इट लीड्स टू ओपननेस एंड क्या बताइए एंड ट्रांसपेरेंसी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती जैसे यहाँ पे ना जैसे ये फंक्शनल लेवल में क्या होता ना बहुत बार ये जो है ना कॉर्पोरेट लेवल वाले बिजनेस लेवल को बता देते कुछ पर ये लोग इनको बराबर से बताते नहीं ये लोग क्या बोलते हैं इनको भैया देखो ऐसा करना है बोले क्यों करना है वो तुम मत पूछो मैं बोल रहा ना करना तो कर मतलब कि बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती जो इनको पता नहीं रहती इतने डीप में
तनमारा ऐसा बहुत बार होता है ऐसा घर में, जैसे अपने हमारे घर में भी ऐसा होता है ना कि बहुत बार कोई ऐसा डिसीजन ले लिया पर हमको पता ही नहीं कि ऐसा क्यों हुआ कैसे हुआ, क्योंकि हम अभी ये लेवल पे हैं, ठीक है ना। तो तुमको सब चीज़ें पता है ऐसा जरूरी नहीं है भैया, हाँ वैसा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, सबको सब पता है कि बिजनेस में हम जो डिसीजन ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हैं, क्या सोच के लिया, ऐसा तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वर्क कल्चर होता है, तो जनरली ये स्टार्टअप्स में ही ज़्यादा डिजायरेबल होता है। नेक्स्ट, इट इज़ फोकस्ड मोर ऑन आइडिया शेयरिंग, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाना है और नए नए आइडियाज़ को लेके आना है और इनोवेशन करना है, तो ये करने के लिए नए आइडियाज़ को शेयर करने के लिए फ्लैट आर्की होना ज़रूरी है। एंड फाइनली आखिरी क्या है, मैट्रिक्स रिलेशनशिप, जल्दी देखेंगे। मैट्रिक्स रिलेशनशिप क्या होता है बोलते हैं, इट इज़ अ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको याद रहेगा मैट्रिक्स रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम यहाँ पे ना प्रोडक्ट वाइज अलग अलग डिवीजन नहीं है, यहाँ पे क्या बोलते हैं हम कि हमने यहाँ पे टेम्पररी किसी, जैसे हमने कोई समझो प्रोजेक्ट लिया है ना, समझो हमारी कंपनी है वेबसाइट बनाने का हमारा काम है ना, हमारा काम है क्या, दूसरों का वेबसाइट बना के देना। तो हमारे पास काम आया कि अल्टीमेट सी आया हमारे पास और बोला, अल्टीमेट सी टीम ने बोला कि वेबसाइट बना के दो, तो क्या होगा, ये अल्टीमेट सी टीम की वेबसाइट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो अलग अलग फंक्शंस है ना, बिजनेस मैनेजर जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, है ना, बिजनेस एनालिस्ट होंगे अलग अलग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जिनका एक मैनेजर होगा बिजनेस मैनेजर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डेवलपर्स होंगे जो वेबसाइट बनाते हैं, इन सबका एक मैनेजर होगा डेवलपमेंट मैनेजर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग होंगे जो वेबसाइट की टेस्टिंग का काम करते होंगे, इन सबका एक हेड होगा क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजर या क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट के सब लोग हैं। तो ये सब कौन है, ये सब लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, टेम्पररी प्रोजेक्ट वाइज क्या होता है कि जैसे अल्टीमेट से की वेबसाइट बनानी है, ओके, तो इस डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति, एक मतलब एक या दो लोग या कुछ लोग है ना, इस डिपार्टमेंट के कुछ लोग को ये काम असाइन किया जाता है कि तुम अब इसका काम करो, ये अल्टीमेट से वेबसाइट बनाने का काम करो। फिर क्या हुआ, फिर बाद में हमारे पास आईजी सर भी आ गए, बोले सर हमको हमारी वेबसाइट बनानी है, हमारे कंपनी के पास है। फिर क्या बताए, प्रीपी सर, प्रणव सर आ गए कि सर हमको भी हमारी वेबसाइट बनाना है, तो बोले आईजी सर की वेबसाइट बनाना है, ओके, इस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को ये काम सौंपो, इस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को बोलो कि डेवलपिंग का काम करें, इस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को बोलो कि टेस्टिंग करें आईजी सर के वेबसाइट की। मतलब कि अब क्या होता है कि मैट्रिक्स में क्या होता है ना, एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसको ही ग्रिड बोलते हैं, ये जो हमने बनाया ना बेटा, इसको ही ग्रिड बोला जाता है, दिस इज ग्रिड, एक और बार बता रहा हूँ, ये इसको ग्रिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रिड बनाना, दिस इज द ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में, इसमें क्या होता है, इसमें ये जो बंदा है ना अब इसको ये बंदे को भी रिपोर्ट करना है और इसको भी रिपोर्ट करना है, जो प्रोजेक्ट का हेड होगा, जो प्रोजेक्ट लीड होगा, तो इस बंदे को इसको भी रिपोर्टिंग करनी है, इसको भी रिपोर्टिंग करनी है। पहले क्या हो रहा था हमारे डिविजनल या फंक्शनल में, ये बंदे को सिर्फ इसको ही रिपोर्ट करना है, इसको जाके रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये बंदे को इसको रिपोर्ट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है मुझे बताओ, ये बंदे को इसको भी रिपोर्ट करना है, इसको भी रिपोर्ट करना है, इस बंदे को इसको भी रिपोर्ट करना है, इसको भी रिपोर्ट करना है, ऐसा होता है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में। ये कब होता है, जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा, कुछ हद से ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, कि अब हम प्रोडक्ट वाइज जब बनाते जा रहे हैं ना डिविजन्स, तो बहुत गड़बड़ हो रही है, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के लिए हमको अलग से सेल्स डिपार्टमेंट के लोग बिठाने पड़ रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग से एचआर डिपार्टमेंट, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग से फाइनेंस डिपार्टमेंट, हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग से परचेसिंग डिपार्टमेंट। अरे भाई साहब, एक काम करो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक ही सेल्स डिपार्टमेंट बनाओ, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक ही फाइनेंस डिपार्टमेंट, आप समझ रहे बात, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ये सारे फंक्शंस के एक एक डिपार्टमेंट ही बनाओ, और फिर जब कोई प्रोडक्ट बनाना है तो हर एक डिपार्टमेंट के कुछ कुछ लोगों को असाइन कर दो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, दूसरा प्रोडक्ट बना रहे हैं हर एक डिपार्टमेंट के कुछ कुछ लोगों को असाइन कर दो प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जो प्रोडक्ट मैनेजर होगा, बंदे को प्रोडक्ट मैनेजर को भी क्या करना है, रिपोर्ट करना है, और इसको अपने ऊपर सुपीरियर को भी रिपोर्ट करना है। ऐसा ये क्या होता है आपका मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, अब ध्यान दीजिए, इट इज अ ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ऑफ लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन विच टीम्स फॉर्म्ड विद पीपल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स
दैट आर बिल्ड फॉर, क्या बताए, दैट आर बिल्ड फॉर टेम्पररी टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट्स। तो जैसे ही वो टास्क खत्म हो गया, वो प्रोडक्ट जैसे ही बन गया, फिर दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए अलग टीम बनाएंगे और हर डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को निकालेंगे और वो प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको असाइन कर देंगे। ऐसा इट हेल्प्स टू मैनेज ह्यूज कॉन्ग्लोमरेट्स। तो कोई कंपनी जो बहुत ज़्यादा मल्टीपल अनरिलेटेड बिजनेसेस में है, तो उसके लिए ग्रिड लाइक ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज क्या बताए एडवाइजेबल। बट इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रैक एंड मैनेज एवरी सिंगल टीम इंडिपेंडेंटली। यर देर आर क्या बताए, यर देर आर मोर देन वन, यर देर आर मोर देन वन बिजनेस मैनेजर्स फॉर ईच फंक्शनल लेवल टीम्स। हर एक टीम के लिए यहाँ पे आप मल्टीपल बिजनेस मैनेजर्स हैं यहाँ पे, हर एक व्यक्ति को अलग अलग, मतलब सिर्फ एक मैनेजर को नहीं, मल्टीपल मैनेजर्स को रिपोर्ट करना है। इट इज कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन। तो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो SM चैप्टर 1 में आपको ये सारी बातें याद रखनी है, और इस तरीके से ही याद रखनी है जैसे मैंने बताया है। जितना आप पे लिखा है उतना आपको पता होना चाहिए, बस बात खत्म। अगर ऐसा आप कर लेंगे, इस चैप्टर का वेटेज 7 से 12 मार्क का है, अपन एवरेज पकड़ सकते हैं कि 8 से 10 मार्क तो भी इस चैप्टर से आएंगे, जो कि हमने आपको करा दिया है। ये डन है बात। अब हमारा जो है ना नया चैप्टर होने वाला है इसके बाद स्टार्ट, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। एक बार हम क्या करेंगे जल्दी से, एक बार जल्दी से क्या करेंगे, कम एक बार हम जल्दी से क्या करेंगे ये बताइए, हम पूरा स्टार्टिंग टू एंड हम एक बार क्या करेंगे, पूरा स्टार्टिंग टू एंड एक बार एकदम ही क्विकली 10 मिनट में पूरा स्टार्टिंग टू एंड हमको एक क्विकली एक बार गो थ्रू करना है, ठीक है ना, जल्दी देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें बात क्या आती है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की बात करें तो दो चीज़ आती है, की ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन। की ग्रुप में क्या आता है, द चीफ ऑर्गन विच इज इंटरेस्टेड विद द मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी, राइट। ये दिस ऑर्गेनाइज रिसोर्सेस को लेके आता है एंड ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनिंग होल में कन्वर्ट करता है। द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड्स ऑन द कॉम्पिटेंस एंड करेक्टर ऑफ इट्स मैनेजमेंट। इंटर रिलेटेड फंक्शन में क्या था आपका, कंट्रोल मैड गोल्स। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, जब भी स्ट्रैटेजी बोले तो चार चीज, इट इज अ गेम प्लान टू यूज क्या बताए, गेम प्लान यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन क्या बताए कंपनी को कोमा से बाहर निकालने के लिए। इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट ऑफ 3Ds, है ना। देन क्या बताए, इट इज अ कॉन्शियसली कंसिडर्ड स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंटरनल एक्शन टू यूटिलाइज MDH। एंड फाइनली इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर टॉप मैनेजमेंट टू डू SWOT, 10th वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी का डेफिनेशन आइगर एंडसॉफ ने क्या दिया था, कॉमन थ्रेड। एंड विलियम ग्लॉक ने क्या बोला कि एक प्लान है विच अशोर्स कि बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव हो जाएंगे। स्ट्रैटेजी जो है क्या वो सब्स्टिट्यूट है मैनेजमेंट का, नहीं। स्ट्रैटेजी कभी भी परफेक्ट फ्लॉलेस ऑप्टिमल नहीं हो सकती, ये फ्लेक्सिबल या प्रैग्मेटिक होनी चाहिए। आगे बोलते हैं कि स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव होती है कि रिएक्टिव होती है, बोलते हैं दोनों होती है, दोनों का मिक्सचर होती है, ठीक है ना। बोलते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पूछा तो क्या बोलेंगे, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पूछा तो बोलेंगे एनालिसिस फ्रॉम स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, विजन मिशन डेवलप करो उसके हिसाब से एनालिसिस करो, फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, क्रिएट चूज इंप्लीमेंट करो स्ट्रैटेजी एंड देन मेजर एंड इवैल्यूएट करो परफॉर्मेंस को। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पूछा तो बोलेंगे वॉइसेस, है ना, VOICES ऐसा। तो डेवलपिंग अ विजन, उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंट एंड इवैल्यूएट स्ट्रैटेजी एंड करेक्टिव एडजस्टमेंट्स ले लो। फिर आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दो है, टू क्रिएट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड टू गाइड दी कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल दी चेंजेस, रिएक्ट इन द राइट मैनर। इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स क्या है हमारे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, कमॉन फेसबुक पे फ्रेम वाली DP क्यों लगाते हैं, है ना। SM प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर, एक्ट्स एज अ पाथ फाइंडर, इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस, इट गिव्स अ डायरेक्शन एंड हेल्प्स टू डिफाइन गोल एंड मिशन। इट ऑर्गेनाइजेशन क्या, SM क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव होने में हेल्प करता है। इट एक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, SM हेल्प्स टू डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। एंड क्यू लगाते, L क्या है, एनहेंसेज द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, इट एंश्योर्स एक्शंस ओवर एक्सपेक्टेशन, क्या है ये बेनिफिट्स। नेक्स्ट लिमिटेशन में क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिमिटेशन, कॉस्टली एटसेट्रा एटसेट्रा। बोलते स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। नेक्स्ट क्या है, इसे क्या था, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कि कॉम्पिटिटर का क्या रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी बनाता है अपने क्लोज्ड डोर्स में, राइट।
देन आता है इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड बोलते हैं एनवायरमेंट हमारा कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट है, तो हमने स्ट्रेटजी बनाते वक्त जो एस्टिमेशंस किए होंगे ऐसा हो सकता कि वो वर्क ना करे। स्ट्रेटजिक इंटेंट होता है कि वाई हम बिजनेस ने हमने जो बिजनेस चालू किया वो क्यों किया है ना, वाई दे वॉन्ट टू डू द बिजनेस, ये स्ट्रेटजिक इंटेंट बताता है। इसमें क्लैरिटी होना जरूरी है तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में ग्रो कर पाएगा, सक्सेस पाएगा। इट इज द फिलोसॉफिकल बेस ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। यस आगे एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में क्या आता है, विजन एंड बोलते हैं कि इसमें तीन चीजें हैं। बोलते हैं कि कॉर्पोरेट लेवल वालों के लिए स्ट्रेटजिक इंटेंट में कॉर्पोरेट लेवल वालों के लिए आता है विजन मिशन बनाना, बिजनेस लेवल वालों के लिए आता है बिजनेस डेफिनेशन बिजनेस मॉडल बनाना, एंड ऑपरेशनल या फंक्शनल लेवल लोगों के लिए आता है गोल्स ऑब्जेक्टिव्स बनाना। इसमें आता है स्ट्रेटजिक इंटेंट में विजन होता है आपका ब्लू प्रिंट ऑफ कंपनीज फ्यूचर पोजिशन, इट शोज द मैनेजमेंट्स एस्पिरेशन, पैनारोमिक व्यू देता है वेयर वी वॉन्ट टू गो, एंड रैशनल रीजन प्रोवाइड करता है कि वाई दिस मेक्स अ गुड बिजनेस सेंस। विजन को पढ़ के इट स्टेक होल्डर्स जब विजन को पढ़ते हैं तो इट कम्युनिकेट्स द मैनेजमेंट्स एस्पिरेशंस, विजन को पढ़ के इट स्टर्स द एनर्जी ऑफ द कंपनी पर्सनल इन अ कॉमन डायरेक्शन। विजन को पढ़ के हम टॉप मैनेजमेंट के माइंड में डुबकी लगा सकते हैं, डिप बोलते हैं कि विजन जो है पॉइंट करता है एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को, वो वहां तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाता है, चार्ट्स ऑफ स्ट्रेटजिक पाथ, एंड उसके हिसाब से हमें हमारे आइडेंटिटी को मोल्ड करना है शेप करना है। बोलते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ स्ट्रेटजिक विजन क्या है, सीड है ना, स्ट्रेटजिक विजन क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन का बीज बोता, याद रहे हमें क्रिएटिवली सोचना जरूरी है विजन बनाते वक्त। स्ट्रेटजिक विजन बनाना ही अपने आप में एक एक्सरसाइज है, राइट, इट क्रिएट्स एंथुजियाज्म अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फाइनली इट इल्यूमिनेट्स द डायरेक्शन इन विच हमें ऑर्गेनाइजेशन को लेके जाना है। बोलते हैं मिशन क्या बताता है, व्हाट बिजनेस आर वी इन व्हाट वी डू, ये डिस्क्राइब करता है ऑर्गेनाइजेशन के ए बी सी को, एक्टिविटीज बिजनेस मेकअप कैपेबिलिटीज एंड कस्टमर फोकस। बोलते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में मिशन क्यों होना चाहिए, बोलते हैं टू पुट बी एम डब्ल्यू इन फोकस। बोलते हैं पुट में आता है मिशन की क्या जरूरत है, टू स्पेसिफाई ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस, टू एंश्योर यूनानिमिटी इन द पर्पस, टू सेट जनरल टोन एंड ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, ये हो गया पुट बी एम डब्ल्यू। टू प्रोवाइड बेसिस फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेस, प्रोवाइड बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेस, देन बी एम हो गया, देन ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू अ वर्क स्ट्रक्चर, एंड क्या बताया सर्विंग एज अ फोकल पॉइंट। आगे फिर बात आती है कि मिशन स्टेटमेंट बनाते वक्त हमको किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, या गुड मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या होना चाहिए। बोलते अच्छा मिशन स्टेटमेंट वो होता है जो बताता है ऑर्गेनाइजेशन के खुद के स्पेशल आइडेंटिटी के बारे में, बिजनेस एम्फोसिस एंड पाथ फॉर डेवलपमेंट के बारे में। मिशन स्टेटमेंट जो उसको स्पेसिफाई करना चाहिए कि कौन से नीड्स को हम पूरा कर रहे हैं कस्टमर के, कौन से कस्टमर ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं, मतलब ये बात होगी बेटा हमारे बिजनेस डेफिनेशन की, ये बात होगी हमारे ये हमारे बिजनेस डेफिनेशन की बात है ना, हम कौन से नीड्स को पूरा कर रहे हैं, मतलब कस्टमर फोकस, एंड कौन से कस्टमर ग्रुप्स को हम टारगेट कर रहे हैं, बिजनेस डेफिनेशन है ना, डिफाइन कर रहे हैं हमारे बिजनेस को, ठीक है। आगे टेक्नोलॉजी एंड कॉम्पिटेंसी इट यूजेस एंड एक्टिविटीज इट परफॉर्म्स। आगे बोलते हैं कि इट शुड बी यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन, एंड आपका मिशन कभी भी प्रॉफिट बनाना नहीं होना चाहिए, है ना, ये मतलब प्रॉफिट कमाओ पर ये मिशन में मत लिखो, ऐसा बोल रहा हूँ। आगे बोलते हैं कि पीटर ड्रकर एंड थियोडोर लेविट ने बोला कि बिजनेस चालू करने के पहले हमें कुछ क्वेश्चंस रेज करने पड़ते हैं, उसका आंसर देना पड़ता है। बोलते हैं बिजनेस चालू करना एक पबजी मिशन पे जाने जैसा होता है, राइट। पहला हमें बिजनेस चालू करने से पहले कौन से क्वेश्चंस रेज करने हैं, सबसे पहला कि हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है, क्या हमें खुद को हमारा बिजनेस समझ में आ रहा है, व्हाट डू वी वांट टू बिकम, हम किस बिजनेस में हैं, फ्यूचर में किस बिजनेस में रहेंगे, हम क्यों इस बिजनेस में, व्हाट ब्रिंग्स अस टू दिस बिजनेस, है ना, हम किस प्रकार की ग्रोथ चाहते हैं, पब जी, फिर क्या है मिशन, एम एस एन मिशन है, व्हाट इज आर मिशन, हम कौन से लोगों को सर्व करते हैं, कौन से नीड्स को पूरा करते हैं, एंड व्हाट वुड बी द नेचर ऑफ बिजनेस इन द फ्यूचर। आगे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिशन के आप पढ़ सकते हैं बाद में, ये तो ठीक है एमसीक्यू के लिए है। नेक्स्ट देखेंगे पीटर ट्रकर ने बोला कि जब हम मिशन का जवाब देते हैं व्हाट बिजनेस आर वी इन, तो हमें प्रोडक्शन ओरिएंटेड नहीं मार्केटिंग या एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव से जवाब देना होता है, जिसमें हमने लैक्मे का एग्जांपल लिया था। मैंने बोला था गोल्स क्या होता है, ये ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमारे फ्यूचर स्टेट्स एंड आउटकम के बारे में बताते हैं, थोड़े जनरलाइज स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे एंड रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं ये क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं जो प्रिसाइज होते हैं, है ना। आगे दे सर्व एज अ यार्डस्टिक और बेंचमार्क फॉर ट्रैकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। आगे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव कैसे होने चाहिए, बोले ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाओ जिससे
हमारा क्या बताइए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस स्मार्ट एंड चैलेंजिंग बने। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव आर स्मार्ट एंड चैलेंजिंग परफॉर्मेंस। बोलते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक होने चाहिए, ये हमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने चाहिए, दे शुड बी मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल, हमें मिशन पर्पस को अचीव करने में हेल्प मिलनी चाहिए, ये हमारे एनवायरमेंट्स है ना, एनवायरमेंट के हिसाब से हमें ऑब्जेक्टिव बनाने चाहिए ना, इट डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट, इट शुड बी रिलेटेड टू अ टाइम फ्रेम, इट शुड बी चैलेंजिंग, ये हमें स्टैंडर्ड सेट करके देंगे अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल। सारे ऑब्जेक्टिव्स एक दूसरे से कोरिलेट करने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए, एंड ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाओ जो हम जिसे पूरा कर सकें, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज के हिसाब से ऑब्जेक्टिव बनाओ। आगे बोलते हैं हमें क्या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की जरूरत है कि या लॉन्ग टर्म की, बोले दोनों की जरूरत है। बोलते हैं हम जब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना तो उसके हिसाब से जैसे ही लॉन्ग टर्म बनाया तभी हमें तभी एकदम से सवाल उठता है कि अब ये लॉन्ग टर्म को पूरा करने के लिए अभी क्या करें, है ना। तो बोलते हैं कि टारगेट्स टू बी अचीव विद इन 3 to 5 years प्रॉम्प्ट कंसिडरेशन ऑफ व्हाट टू डू नाउ। ठीक है, आगे बोलते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बनाते वक्त हमें 7 areas पे फोकस करना है, 3P2ECT, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्टिविटी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय डेवलपमेंट एम्प्लॉय रिलेशंस एंड CT, कॉम्पिटेटिव पोजीशन एंड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप। इसलिए ये वाला सवाल भी पूछ सकता है। आगे बढ़ेंगे अगली बात, बोलते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो है ये आइडेंटिकल होते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से अगर सब चीजें सही तरीके से चल रही हैं। तो अगर हम ऑलरेडी हमारे टारगेटेड लॉन्ग टर्म लेवल के हिसाब से चल रहे हैं तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव आइडेंटिकल हो गए, लेकिन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिफर भी कर सकते हैं अगर जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को और एलिवेट करना चाहते हैं या हम हमारे लॉन्ग रेंज टारगेट्स को विद इन 1 year अचीव नहीं कर पा रहे, तो एक काम करो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को और ज्यादा चेंज करो ऐसा। ठीक है, बोलते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव सर्व एज स्टेप्स टुवर्ड्स अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। आगे बढ़ेंगे अगली बात, फिर बात आती है वैल्यूज क्या है, ये हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं डिसीजन लेने में हमें हेल्प करते हैं, ये इनहेरेंट होते हैं और ये सैक्रोसेंट होते हैं, मतलब हम कुछ भी हो जाए हम इसको इसमें क्या बताएं कुछ गड़बड़ करेंगे नहीं ऐसा। आगे बोलते हैं इट क्या बताइए, इट डिफाइंस या इट सेट्स द टोन ऑफ हाउ पीपल विल थिंक एंड बिहेव इन द ऑर्गेनाइजेशन इन सिचुएशंस ऑफ डिलेमा, कंफ्यूजन के समय हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, वैल्यूज हमारे बताते हैं किस प्रकार से डिसीजन लेना है, वैल्यूज हमें बताते हैं। बोलते हैं एम्प्लॉयज कस्टमर हमेशा एम्प्लॉयज ऐसे जगह पे ही काम करना चाहेंगे जहाँ के वैल्यूज उनसे रिलेट करते हो, उनके वैल्यूज से कस्टमर्स ऐसे कंपनी के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहेंगे जिनके वैल्यूज उनसे रिलेट करते हो, इसलिए वैल्यूज का इंटरनल और एक्सटर्नल इम्प्लीकेशन दोनों होता है। ठीक है, बोलते हैं इंटेंट और वैल्यू में कौन सा बड़ा है, बोलते हैं वैल्यूज आर मोर वाइडर देन इंटेंट, क्योंकि इंटेंट होता है पर्पस की बिजनेस क्यों कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस करते वक्त हमको बिहेव कैसा करना है वो वैल्यूज बताता है। आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिक लेवल्स होते हैं 3, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल। बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट क्या होते हैं कि जो हमारे बिजनेस, जब हमारा बिजनेस हमारे कंपनी में जब हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक प्रोडक्ट का एक सेपरेट डिवीजन बना सकते हैं, सेपरेट सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन, सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन मतलब हर एक डिवीजन जिसका खुद का अलग सारे फंक्शंस हो, खुद का अलग सेल्स डिपार्टमेंट, खुद का अलग फाइनेंस डिपार्टमेंट, खुद का अलग HR डिपार्टमेंट, ऐसा इसे क्या बोलते हैं SBU स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। आगे बढ़ेंगे, बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, बोलते हैं इस पहली बात इसमें आते हैं CEO सीनियर एग्जीक्यूटिव BOD एक्सेट्रा, ये पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में यानी ओवरसी करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज को। आगे बोलते हैं इनका क्या रोल है, फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग MBA लीडरशिप। कम ऑन वापस, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स का क्या काम है, फॉर्मुलेटिंग एंड इंप्लीमेंटिंग MBA लीडरशिप, ये फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट करते हैं स्ट्रेटजीज को, ये मिशन गोल्स को डिफाइन करते हैं, ये बताते हैं हम किस बिजनेस में हमें जाना चाहिए और ठीक है ना, बोलते हैं ये एलोकेट रिसोर्सेस एलोकेट करते हैं अलग अलग बिजनेसेस में एंड ये लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं राइट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। आगे बढ़ेंगे अगली बात, बोलते हैं दे आर द गार्डियंस ऑफ द शेयरहोल्डर्स वेलफेयर, कौन, कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स, ये स्ट्रेटजी ऐसी बनाते हैं सच दैट कि हमारे शेयरहोल्डर्स का वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। आगे बढ़ेंगे, बिजनेस लेवल मैनेजर्स कौन होते हैं, जो अपने खुद इंडिविजुअल बिजनेस एरियाज इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट्स के लिए जो स्ट्रेटजी बनाते हैं बिजनेस लेवल मैनेजर्स, बोलते हैं जो हमारे कॉर्पोरेट लेवल वाले लोगों ने जो जनरल स्टेटमेंट्स दिए हैं डायरेक्शन एंड इंटेंट के, जो विजन मिशन के जो स्टेटमेंट दिए कॉर्पोरेट लेवल वालों ने उसके लिए कॉन्क्रीट स्ट्रेटजीज अपने इंडिविजुअल बिजनेसेस के लिए कौन बनाता है, बिजनेस लेवल मैनेजर्स। बोलते हैं
ठीक है, सीएलएम बीएलएम पढ़ सकते हैं। एफएलएम क्या होता है, फंक्शनल लेवल मैनेजर। ये क्या करते हैं, एक सेपरेट स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में एक सेपरेट फंक्शन का जो मैनेजर है, फंक्शनल लेवल मैनेजर। ये डन है बात। आगे जरा क्लोजर टू द कस्टमर याद रखेंगे। देन बोलते हैं टॉप डाउन की बॉटम अप। टॉप डाउन क्या होता है, टॉप डाउन अप्रोच ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजंस आर मेड सोली बाय द लीडरशिप एट द टॉप। एंड बॉटम अप क्या होता है, जिसमें सारे टीम्स अक्रॉस लेवल हैव अ वॉइस। बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल क्या बताता है कि व्हाट बिजनेस वांट्स टू अचीव। बिजनेस लेवल क्या करता है, इसके हिसाब से आइडियाज एंड प्लान्स बनाता है। फंक्शनल लेवल क्या करता है, इसको एग्जीक्यूट करता है एंड अचीव करता है रिजल्ट्स को एक्चुअल में। देन बोलते हैं तीन प्रकार के हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, कौन से बताइए, फंक्शनल या डिविजनल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, तीसरा मैट्रिक्स। फंक्शनल या डिविजनल में क्या होता है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स होते हैं। हर एक फंक्शन, हर एक डिवीजन दूसरों से अलग है। हम हर एक डिवीजन जो है, हर एक हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अलग तरीके से वर्क करता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है, राइट। फिर बात आती है इसमें हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, इसको हम फ्लैटार्की भी बोलते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, यर और ऑल पोजीशंस फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू स्टाफ लेवल आर इन द सेम हायरार्कियल पोजीशन। मतलब ऐसा कोई किसके ऊपर, कोई किसके नीचे नहीं, ऐसा, ठीक है ना। ये यहाँ पे एवरीवन इज कंसिडर्ड एट द सेम लेवल। दिस लीड्स टू ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी, लीड्स टू आइडिया शेयरिंग एंड इनोवेशन। इस तरह का कहाँ पे काम आता है बताओ, हमारे स्टार्टअप्स के केस में। मैट्रिक्स रिलेशनशिप क्या होता है, ये ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर होता है विद टीम्स फॉर्म्ड विद पीपल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग साथ में आके एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं टेम्प्रेरी बेसिस में। जैसे प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा सारी टीम अलग, फिर बाद में अगले प्रोजेक्ट के लिए वापस से अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग को इकट्ठा करके एक प्रोजेक्ट का देंगे काम, ठीक है ना। तो जो बंदा रहेगा उसको अपने डिपार्टमेंट के मैनेजर को भी रिपोर्ट करना है, और वो जो जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट के भी मैनेजर को रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। बोलते हैं कि ये काम आता है कहाँ पे, ह्यूज कॉन्ग्लोमरेट्स को मैनेज करने में काम आता है। ये स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। यहाँ पे एक ही व्यक्ति को मोर देन वन बीएलएम को रिपोर्ट करना होता है। सो यहाँ पे हम हमारे आज के सेशन को एंड करते हैं, ठीक है ना। सो मैंने अभी 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर का एक वापस से एक पूरा ओवरव्यू आपको दे दिया, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको मजा होगा। जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा हमसे बढ़ गए। एंड आप अगर हमारे ये डिटेल क्लासेस हमारे चाहते हैं, कंप्लीट क्लासेस चाहते हैं, तो आप हमारे क्लास में एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप चाहें तो सिर्फ FM में एनरोल कर सकते हैं, सिर्फ SM में कर सकते हैं, FM SM दोनों में भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स गाइस, बाय बाय। मिलते हैं हमारे कल के क्लास में।